हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 6 पोएट एंड पैनकेक्स, जिसके ऑथर अशोका मित्रन है, इसके हम एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे। स्टूडेंट, पैनकेक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आर्टिस्ट को मेकअप करते समय लगाया जाता है, और हमारे जो ऑथर हैं अशोका मित्रन, वो जेमिनी स्टूडियो, जो मद्रास चेन्नई में है जेमिनी स्टूडियो, वहां पर जॉब करते थे। और वो बताते हैं, आर्टिस्ट को कभी कभी इतना ज्यादा पैनकेक्स लगा दिया जाता था जिससे कि वो ब्यूटीफुल दिखने के बजाय खुद की तरह दिखाई देते थे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें हमारे ऑथर बता रहे हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो में पैनकेक है, वो ट्रक लोड यानी कि ट्रक भर भर के ह्यूज क्वांटिटी में, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में पैनकेक्स आता था स्टूडियो में। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, वैजंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हियर्ड ऑफ इट। तो यहाँ पे हमें ऑथर बता रहे हैं, ये आर्टिस्ट के नेम है, ग्रेटा गार्बो ने इसका बहुत ज्यादा यूज किया होगा, और मिस गोहर ने भी इसका बहुत अधिक यूज किया होगा पैनकेक का, वैजंती माला ने भी, लेकिन रति अग्निहोत्री ने इसका तो नाम भी नहीं सुना होगा। किसका? ये मटेरियल का जो मेकअप के लिए यूज किया जाता है, पैनकेक मटेरियल का जेमिनी स्टूडियो में, क्योंकि वो बहुत ही बाद में एज अ आर्टिस्ट आई थी 1970। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वॉज इन द अपस्टेयर ऑफ अ बिल्डिंग दैट वॉज बिलीव टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल। स्टूडेंट, ये रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही ज्यादा वेल्दी पर्सन थे, जिनका मद्रास चेन्नई में बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स थी। तो बताया जा रहा है कि ये जो रॉबर्ट क्लाइव्स थे, उनका जो स्टेबल था यानी कि जो घोड़े खड़े करने की जो जगह थी, उसको जेमिनी स्टूडियो बनाया गया, जेमिनी स्टूडियो का मेकअप रूम बनाया गया, मेकअप डिपार्टमेंट बनाया गया जेमिनी स्टूडियो का, कहां? रॉबर्ट क्लाइव के स्टेबल को। अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। तो बताया जा रहा है कि डजन यानी कि 12 यानी कि बहुत सारी चेन्नई में इनकी रेजिडेंस बिल्डिंग थी, और जिसके स्टेबल को, घोड़े खड़े करने की जगह को, जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट बनाया गया था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास। अब बताया जा रहा है कि वो बहुत ही ब्रीफ लाइफ थी, यानी कि उनका जीवन बहुत छोटा था, बहुत कम समय तक वो जीवित रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, क्यों कम समय था, और वो मद्रास में तो बहुत ही कम रुक पाए थे, छोटे समय के लिए रुकते थे। क्यों कम समय के लिए रुकते थे? क्योंकि उनका जो मूविंग बहुत ज्यादा था, इधर उधर काम के पर्पज से वो बहुत ज्यादा जाते रहते थे, इसलिए स्टे इन मद्रास, ब्रीफर स्टे इन मद्रास, यानी कि मद्रास में वो बहुत कम समय तक के लिए ही रुके थे। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड मैरिंग ए मैडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। अब बता रहे हैं हमारे ऑथर कि वो लड़ाई के पर्पज से इधर उधर कहाँ कहाँ जाते थे, इंडिया की ऐसी जगह जाते थे जहाँ पर कोई बहुत ही कॉर्नर कॉर्नर में जाते थे, बहुत ही कम सुनने में जो जगह आती है, ऐसे लड़ाई के पर्पज से बैटल युद्ध करने के लिए, बैटल के लिए वहाँ जाते थे। और बाद में उन्होंने एक मैडन से शादी कर ली थी, यानी कि बहुत ही छोटी गर्ल की, यंग एज की लड़की से उन्होंने शादी कर ली थी। कहाँ करी थी? सेंट मैरी चर्च में, जो कि सेंट जॉर्ज मद्रास में है। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर। हमारे ऑथर बता रहे हैं कि ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था, मेकअप रूम था, वो ऐसा लगता था सैलून की तरह, जहाँ हेयर कटिंग सैलून होता है वैसा दिखाई देता था, और उसमें जो लाइट्स लगी थी वो हर एंगल से, हर साइड से वहां पे लाइट लगी हुई थी, और हाफ अ डजन यानी कि लगभग आधा दर्जन के बराबर वहां बहुत बड़े बड़े मिरर भी लगे हुए थे, और लाइटें हर एंगल में बहुत ज्यादा लगी हुई थी। दे वर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स, और वे सारी लाइटें कहती थी, इनकैंडिसेंट लाइट का मतलब होता है स्टूडेंट टू गिव लाइट बाय बर्निंग, ऐसी लाइट थी जो बहुत ही जैसे आग निकल रही हो उसमें से, इतनी हीट निकलती थी। सो यू कैन इमेजिन द फेयरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। और अब वो कह रहे हैं कि तुम इमेजिन कर सकते हो कि जिनका मेकअप किया जाता था तो वो उसको कैसे मिजरी करते थे यहाँ पर, यानी कि उसको, उस परेशानी को कैसे वो लोग झेलते थे। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय ए बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट।
कह रहे हैं सबसे पहले जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो एक बंगाली के द्वारा हेड किया जाता था और वो बहुत लंबे समय तक वहाँ स्टूडियो पे रुके और बाद में उन्होंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। ही वॉज सक्सीडेड बाय ए महाराष्ट्रियन हु वॉज द असिस्टेड बाय धरवार कनाडिगा एन आंध्रा आ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एन एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल। हमारे ऑथर बताते हैं कि वो जो बंगाली हेड बॉय था उसके जाने के बाद एक महाराष्ट्र का हेड बना, उसके बाद धरवार कनाडिका का बना और फिर आंध्र का, और उसके बाद एक इंडियन क्रिश्चियन बना। इसके बाद कई जो लोकल तमिल वहाँ के जो लोकल लोग थे वो मेकअप डिपार्टमेंट के हेड बने। ऑल दिस शोज दैट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड द दूरदर्शन बिगैन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम ऑन द नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन स्टूडेंट का मतलब होता है कि जहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो के चलने से भी पहले और जो दूरदर्शन चला था उससे भी पहले ये जो जेमिनी स्टूडियो था यहीं पे ही नेशनल इंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता था, यानी कि यहीं पे अलग अलग राज्यों से आए हुए अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे और काम करते थे। दिस गैंग ऑफ नेशनैलिटी इंटीग्रेटेड मेकअप मैन एंड कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इंटू अ हिडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर विद द हेल्प ऑफ द ट्रक लोड ऑफ पैनकेक एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस। तो यह बताया जा रहा है कि ये जो सभी लोग थे, ये पूरा गैंग था, यानी कि ये जो ग्रुप था मेकअप डिपार्टमेंट का, ये पर्सन्स पे बहुत ही ज़्यादा, हेडियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अगली, और क्रिम्सन ह्यू का मतलब होता है डीप रेड कलर, और पोशन का मतलब होता है अ लिक्विड मिक्सचर। तो वो ये जो पैनकेक है इसका लिक्विड मिक्सचर इतना ज़्यादा आर्टिस्ट को लगा देते थे कि वो सुंदर दिखने की बजाय कैसे दिखते थे, बहुत ही बदसूरत दिखाई देते थे, और उनका जो फेस था वो रेड कलर का बहुत ही डरावना सा हो जाता था मेकअप करने के। Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shot outdoor. बता रहे हैं ऑथर कि ये उस समय की बात है जब सारी फिल्मों की शूटिंग लगभग इंडोर ही होती थी, यानी कि स्टूडियो के अंदर ही होती थी, और केवल 5% ही फिल्में ऐसी थी जिनको आउटडोर शूट किया जाता था, बाहर जाकर शूट किया जाता था स्टूडियो के बाहर। I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. शोका मित्रन कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लगता था कि ये जो इतना ज़्यादा मेकअप लगाया जाता है गर्ल्स और बॉयज को, तो वो उनके प्रेजेंटेबल के लिए दिखाया जाए कि मतलब वो मूवी में बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो कैसे दिखते थे, बहुत ही अगली दिखाई देते थे। आ स्ट्रिक्ट हायरार्की वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। द चीफ मेकअप मैन मेड अ चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अगली, हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन, द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पे हमारे जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि हायरार्की की मीनिंग होती है स्टूडेंट रैंक या लेवल। तो लेवल के अनुसार एक्टर या एक्ट्रेस का मेकअप किया जाता था, यानी जो सबसे मेन होते थे, जो हेड होता था मेकअप डिपार्टमेंट का, वो चीफ पर्सन की मेकअप करता था, चीफ आर्टिस्ट, चीफ जो होते थे मेन जिनका रोल होता था उनका। और इसी प्रकार तो उनसे कम रोल वाले होते थे तो डिपार्टमेंट के, मेकअप डिपार्टमेंट के भी पर्सन जो उनसे कम लेवल पे होते थे, सेकंड पोजीशन पे होते थे, वो उनका लेवल करते थे एंड सो फोर्थ। इसी प्रकार से जैसे जैसे कम रोल होता था मूवी में जिसका, तो मेकअप डिपार्टमेंट वाले भी उनके जो ड्यूटी है वो बटी होती थी, सबसे हेड, फिर उसके उनके अंडर में जो होते थे, फिर उनके सौ कोऑर्डिनेटर जो होते थे, तो वो नेक्स्ट लेवल वालों के मेकअप करते रहते थे। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। आगे ऑथर बता रहे हैं कि जब क्राउड का दिन होता, जब बहुत मतलब जो क्राउड होती थी मूवी में, जो क्राउड होती थी उनका मेकअप ऑफिस बॉय कर देता था, क्योंकि वो तो कम ही दिखने होते हैं ना मूवी में। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। तो ये जो ऑफिस बॉय का काम क्या होता है, चाय वगैरह लाना,
तो ये काम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जेमिनी स्टूडियो में जो क्राउड होती है, मूवी में जो क्राउड होती है, उसका मेकअप ऑफिस बॉय कर दिया करता था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग यू कुड सी हिम मिक्सचर हिज पेंट इन ए जायंट वेसल एंड द स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। अब बता रहे हैं कि जब बहुत ही भीड़ का जो मेकअप करना होता था तो वो क्या करते थे, बहुत बड़े से बर्तन में पेंट को खोल देते थे। अब ये पेंट कौन सा है, वही जो मेकअप प्रोडक्ट है इनका पैनकेक्स, उसको घोलते थे और स्लैप उठा उठा के उनके फेस पे पटकते थे। आर्टिस्ट के ये जो क्राउड होती थी मूवी में, उनके फेस पे पटक पटक कर इतना सारा मेकअप लगाया करते थे। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ द अप्लाइंग मेकअप। मेकअप मैन को ऐसा आइडिया दिया जाता था कि आर्टिस्ट के फेस का एक भी पोर, हमारे फेस पे जो पोर्स होते हैं, कि एक भी पोर दिखाई नहीं देना चाहिए और भर भर के उनके फेस पे मेकअप लगाया जाता था। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, ही वॉज इन हिज 40s। तो बता रहे हैं ऑथर कि ये जो ऑफिस बॉय था वो एक बॉय नहीं था, मतलब वो अर्ली 40s की एज में था, यानी कि वो एक मैन था। हैविंग एंटर द स्टूडियो ईयर्स अगो इन द होप ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर और ए टॉप स्क्रीन राइटर डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर, तो वो इस आशा से जेमिनी स्टूडियो में आया था कि वो एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बन जाएगा या स्क्रीन डायरेक्टर या लिरिक राइटर बन जाएगा। लेकिन वो क्या बन के रह गया, केवल एक ऑफिस बॉय ही बन के रह गया। ही वॉज बिट ऑफ ए पोएट, तो वो थोड़ी बहुत पोएट्री भी करता था, यानी कि वो छोटा मोटा पोएट भी। क्राफ्ट इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल टू होल साइड ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज। बता रहे हैं कि जिन दिनों में वहाँ काम करता था तो मैं एक क्यूबिकल रूम में काम करता था। क्यूबिकल रूम यानी कि क्लोज्ड रूम से मतलब होता है स्टूडेंट, और कह रहे हैं कि छोटा सा केबिन जैसा क्यूबिकल एक रूम था जहाँ वो काम करते थे, और जो वहाँ विंडो लगी हुई थी, कह रहे अब मुझे पता चला है कि उस विंडो को क्या कहते हैं, फ्रेंच विंडो कहते हैं, जो कि दोनों साइड से खुलती है। आई डिड नॉट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडो, कह रहे उस समय मुझे नहीं पता था कि ऐसी विंडो को फ्रेंच विंडो कहा जाता है। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टियरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन द डे आउट, कह रहे हैं कि जब मैं वहाँ पे बैठा होता था अपने क्यूबिकल रूम में, तो उनका काम क्या था स्टूडेंट, कि न्यूज़पेपर की क्लिक कट करके और वो कटिंग कर करके रखते थे, और उसको जहाँ भी पेस्ट करना होता था या जरूरत होती थी तो उसको संभाल के रखते थे, न्यूज़पेपर की कटिंग का उनका काम था। अब बता रहे हैं कि मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे डिपार्टमेंट में उस स्टूडियो में सभी लोग सोचते थे कि ये तो बेकार का ही काम करते हैं, इनका कोई काम है कि न्यूज़पेपर की क्लिप कट करते हैं। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू, और वो बताते हैं कि इवन कि बॉस भी ऐसा ही समझते थे कि मेरा जो काम है वो ज़्यादा टफ नहीं है, ऐसे ही मैं काम करता हूँ। सो एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इंटू माई क्यूबिकल एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर। अब बताते हैं कि मुझे ऐसे काम करते हुए ऐसे सोचते थे लोग ये तो खाली ही है, और कोई भी वहाँ पे बार्ज होके आ जाता था। बार्ज यानी कि स्टूडेंट बिना परमिशन के अंदर आ जाना, तो कह रहे कोई भी आ जाता था अंदर और लेक्चर देना, अपना बेफालतू की बातें करना मेरे साथ शुरू कर देते थे। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts। आगे ऑथर बताते हैं कि फिर एक दिन एक वो बॉय आ गया। यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो ऑफिस बॉय था, ऑफिस बॉय का काम होता है चाय पानी वगैरह लाना, लेकिन जब वहाँ स्टूडियो में जब बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जाती थी, जिस दिन क्राउड का मेकअप होता था, तो ये ऑफिस बॉय भी उनके मेकअप में जुट जाता था। तो ऑथर बताते हैं कि फिर ये भी आ जाता था मेरे क्यूबिकल रूम में, तो बॉय भी आ जाता था और अपना लेक्चर देना मेरे को शुरू कर देता था, बेफालतू की बातें मेरे साथ डिस्कस करता था। और एक दिन वो कहने लगा कि मैं तो यहाँ पे बेकार में ही काम कर रहा हूँ, मेरे पास तो बहुत टैलेंट है कि मुझे तो लिटरेसी भी आती, यानी कि मैं तो पोइट्री भी कर लेता हूँ, मैं पोएट हूँ, तो यहाँ तो केवल इस डिपार्टमेंट में तो वही लोग फिट है जैसे बार्बर और परवर्स। परवर्स की मीनिंग होती है स्टूडेंट दोज हु कॉपी, जो लोग कॉपी कर लेते हैं। तो कह रहे जो बार्बर हैं या परवर्स हैं, ऐसे लोग ही इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए फिट हैं। ये कौन कह रहा है, ये ऑफिस बॉय कह रहा है। किससे कह रहा है, हमारे ऑथर से कह रहा है। सून आई वॉज
प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। मैं तो प्रे कर रहा था भगवान से कि ये जो क्राउड की शूटिंग है, जब शूटिंग के दौरान बहुत सारी क्राउड आ जाती है तो वो जो मेकअप डिपार्टमेंट के लोग हैं वो मेकअप करने के लिए कम पड़ते हैं। तो उन दिनों ये ऑफिस बॉय भी शूटिंग करता था, जैसा कि हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ ही चुके हैं। तो हमारे ऑथर प्रे करते हैं कि ये जो क्राउड की शूटिंग है वो हमेशा चलती रहे। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक, जिससे कि मैं इसके एपिक से बच पाऊँ। एपिक की मीनिंग होती है स्टूडेंट लेंदी टॉक, कह रहे ये जो बेफालतू की लंबी लंबी बातें मेरे साथ करता है इन बातों से मैं बच जाऊँ। और मैं प्रे करता हूँ कि वो जो शूटिंग है क्राउड की शूटिंग वो हमेशा ही चलती रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंकर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कवर्टली, एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोज इग्नोमिनी एंड नेग्लेक्ट वर ड्यू टू कोथा मंगलम सुपू। तो यहाँ पे हमारे ऑथर बता रहे हैं कि ये जो ऑफिस बॉय है इसका जितना भी फ्रस्ट्रेशन, जितना भी इसका गुस्सा था, कवर्टली की मीनिंग होती है सीक्रेटली, और वोस की मीनिंग होती है प्रॉब्लम या ट्रबल्स, और इग्नोमिनी की मीनिंग होती है डिस्ग्रेस। वो कहते हैं कि इसके फेस का जितना भी फ्रस्ट्रेशन था, जितना इसका गुस्सा था, वो सब सुबू के लिए था। सुबू कौन है? वहाँ जो मेकअप डिपार्टमेंट है उसका सेकंड नंबर पे सबसे ऊपर बॉस होता है, और सेकंड नंबर पे ये सुबू था। कह रही इसका जितना भी फ्रस्ट्रेशन है वो केवल और केवल सुबू के लिए था, और वो उसी की बातें आके हमारे ऑथर के साथ डिस्कस भी करता था। सुबू वॉज द नंबर टू एट जेमिनी स्टूडियो। सुबू था वो नंबर टू पे था जेमिनी स्टूडियो में। ही कुड नॉट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन ओवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। और वे बता रहे हैं कि जब सुबू ने ये ऑफिस ज्वाइन किया था तो वो भी एक ऑफिस बॉय की तरह था, यानी कि उसकी पोजीशन भी ऑफिस बॉय की थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को ग्रोन अप किया और वो जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट के सेकेंड नंबर पे आ गया। On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult time for when he began his career. There were no formally established film producing companies or studio. तो ऑथर कहते हैं कि बल्कि इसने तो ज्यादा स्ट्रगल किया। कॉन्ट्रेरी की मीनिंग होती है अपोजिट, मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए सुबू का इस ऑफिस बॉय से, जो इस समय ऑफिस बॉय है उससे कंपैरिजन किया जाए, तो कहते हैं कि इसने तो ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल किया है ये जो अब सेकेंड नंबर पे आ गया है सुबू, लेकिन इसने ये जो इस समय ऑफिस बॉय है इसने तो ज्यादा स्ट्रगल नहीं की। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे वो आया था तो उतनी तो फिल्म प्रोड्यूसिंग और कंपनीज और स्टूडियो भी तब नहीं होते थे। इवन इन मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुबू कुड नॉट हैव हैड द एप्रिसिएटेबल लीड ओवर अवर बॉय। अब ऑथर ये भी बताते हैं कि अगर एजुकेशन के कंपैरिजन में देखा जाए सुबू की एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी की एजुकेशन इसकी अच्छी है। ऑफिस बॉय ज़्यादा पढ़ा लिखा है और उस समय तो ज़्यादा फैसिलिटीज भी एजुकेशन वगैरह की नहीं थी जितनी अब है। But by virtue of being born a Brahmin, a virtue indeed, he must have had exposure to more affluent situations and people. By virtue of की मीनिंग होती है स्टूडेंट गुड लक, और एक्सपोजर की मीनिंग होती है एक्सपीरियंस, और एफ्लुएंट की मीनिंग होती है रिच या बेटर। तो ये कह रहे हैं कि अगर गुड लक की तरफ से भी देखा जाए तो ये जो सुबू है इसका लक बहुत अच्छा है, ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी इस ऑफिस बॉय के कंपैरिजन में अच्छी थी। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एंड ऑल द टाइम इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन ए फ्लॉप फिल्म। और कह रहे हैं कि वो जो सुबू था वो हमेशा चीयरफुल रहता था, हमेशा हैप्पी रहता था, और कभी फिल्म कोई फ्लॉप भी हो जाती थी तब भी वो घबराता नहीं था और हैप्पी रहता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, और वो किसी के लिए भी काम करने को तैयार हो जाता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। यहाँ पे प्रिंसिपल आया है स्टूडेंट सुबू के बॉस के लिए, जो हेड थे उस डिपार्टमेंट के। तो कह रहे हैं कि वो बहुत ही लॉयल था, जो सुबू था
बहुत ही लॉयल मीन्स आई स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सपोर्ट फॉर समवन, किसी के लिए भी मतलब बहुत अच्छी फीलिंग रखता था। और जो अपने जो बॉस थे, प्रिंसिपल आया बॉस के लिए, और जो उनके बॉस थे उनके एडवांटेज यानी कि उसके फायदे की जो भी बात होती थी उसको वो पूरी तरह से करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म। टेलर मेड की मीनिंग होती है स्टूडेंट आइडियल, तो वो हमेशा फिल्म मेकिंग के लिए भी, फिल्म्स के लिए भी आइडियल था, उसके बिना फिल्म मेकिंग भी अधूरी रहती थी। देयर वॉज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, कमांडेड मतलब ऑर्डर, तो जब भी कभी उनके बॉस कोई भी उसको ऑर्डर देते थे तो वो उसको कंप्लीट करने के लिए हमेशा इंस्पायर्ड रहता था, हमेशा प्रेजेंट रहता था। द रेड फाइट्स द टाइगर्स अंडर वाटर एंड किल्स हर बर्ड, टेक्स पिटी ऑन द कब्स एंड टेंड्स देम लविंग। तो यहाँ पे वहाँ जो बहुत सारी फिल्म बनती हैं स्टूडियो में, तो उसके एक सीन को बताते हुए बता रहे हैं हमारे ऑथर कि एक जो रैट होता है वो टाइग्रेस को मार देता है पानी के अंदर, और लेकिन उनके जो कब्स होते हैं यानी कि जो टाइग्रेस के बच्चे होते हैं टाइगर के, उनको उस पर दया आ जाती है। किसको? रैट को उस पर दया आ जाती है। तो कुछ ऐसा सा सीन प्रेजेंट किया गया। आई डिड नॉट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुब्बू वुड कम आउट विद फोर वेज ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि इस प्रकार का सीन प्रोड्यूसर को समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से पर्दे पर दिखाया जाए, लेकिन ये जो सुब्बू था इसने इस सीन को दिखाने के चार तरीके बता दिए। मतलब कि वो इतना इंटेलिजेंट था फिल्म मेकिंग में। गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज अफेक्टिव इनफ। प्रोड्यूसर वुड से एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स। तो जब उन्हें सिब्बू ने बताए तरीके, चार तरीके बताए, लेकिन प्रोड्यूसर को फिर भी अच्छा नहीं लगा, जचे नहीं वो सारे तरीके। तो उसके बाद बता रहे हमारे ऑथर कि सिब्बू ने 14 तरीके और बता दिए कि इस टाइप से हम सीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप समझिए कि वो इतना ज़्यादा क्लेवर था कि वो सोचता था कि ऐसे नहीं तो ऐसे, वो हर तरीके से सीन को पेश करना जानता था। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक सिब्बू अराउंड, एंड इफ एवर there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during its golden years, it was Subbu। और ऑथर बता रहे हैं कि सुब्बु इतना इंटेलिजेंट था, इतना क्लेवर था, फिल्म मेकिंग इतने अच्छे से जानता था कि अपने गोल्डन ईयर्स में यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था उन ईयर्स में, उसकी वजह से ही जेमिनी स्टूडियो इतना फेमस हो पाया था। सुब्बु हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट एंड थ्रू तो He was certainly capable of more complex and higher forms. He deliberately chose to address his poetry and the masses. अब ऑथर बता रहे हैं कि जो सुब्बू था वो सेकंड नंबर पे तो था ही जेमिनी स्टूडियो में, इसके अलावा वो छोटी मोटी पोइट्री भी करता था, पोम भी लिखता था। और वो कैसी पोम लिखता था? बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं लिखता था, हायर फॉर्म्स वाले नहीं, थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखता था जिससे कि उनकी पोइट्री मासेज यानी कि सभी को समझ में आ जाए, ईजी रूप में वो पोएम लिखता था। हिज सक्सेस इन फिल्म ओवर शेडोज एंड ड्राफ्ट हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट। शैडो की मीनिंग होती है स्टूडेंट दब के रह जाना। ऑथर बताते हैं कि वो पोएट्री तो बहुत अच्छी करता था, लेकिन वो जो फिल्म मेकिंग में उसको जो सफलता मिली थी उसके वजह से जो उसकी पोएट्री का काम है वो दब के रह गया। और क्रिटिक्स कौन होते हैं? जो जज करते हैं कि ये काम अच्छा है या नहीं। तो वो क्रिटिक्स भी ऐसा ही फील करते थे कि ये जो उसकी पोएट्री की हुनर है, जो पोएट्री इसे लिखना जानता है, उसका इतना अच्छी पोएट्री भी लिखता है, लेकिन उसका वो हुनर ये इसकी फिल्म मेकिंग के काम से दबके रह गया, ओवरशेडेड हो गया। He composed several truly original story poems in folk retain and diction and also wrote a drawing novel Thilana Mohanambal with dozens of very differently etched character. Differently की मीनिंग होती है स्टूडेंट क्लेवरली, और डिक्शन का मतलब होता है द स्टाइल ऑफ, रिटेन मतलब होता है लाइन्स दैट आर रिपीटेड। जो भी पोम लिखता था वो कैसे कंपोज की जाती थी? एक ट्रू स्टोरी पे कंपोज होती थी। और जो एक उसने नॉवल लिखा था खिलाना मोहनम्बल विद द डजन और वेरी डिफिकली, डिफिकली मतलब क्लेवरली, सुब्बू ने इस नॉवल में हर करेक्टर को इतनी चतुराई के साथ पेश किया था कि उस नॉवल की एक एक चीज, एक एक करेक्टर की एक एक सिचुएशन
समझ में आती है. He quite successfully recreated the mood and manner of Devadasis of the early 20th century. 20th century से पहले देवदासीस किसको कहा जाता है स्टूडेंट, जो तमिल में मंदिर में अलग अलग वे से जो लड़कियां पूजा करती हैं उसे देवदासीस कहा जाता है. तो उन गर्ल्स की मूड और मैनर को भी उसने बहुत ही चतुराई के साथ पेश किया था, जो कि 20th सेंचुरी में वो देवदासीस करती थी उनके मूड को. ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल्स, बट वट एवर सब्स्टिट्यूटरी रोल ही प्लेड इन अ एनी ऑफ द फिल्म्स, ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स. अब बताया जा रहा है कि वो जो मेन प्लेयर के पास जो रोल करते हैं, यानी कि सेकंड नंबर पे जब प्लेयर प्ले करते हैं, तो वो भी वो बहुत बखूबी से निभाता था वो रोल भी. तो इससे ये पता चलता है कि सुब्बू एक अच्छा पोएट होने के साथ साथ एक अच्छा प्रोड्यूसर और एक आर्टिस्ट भी था. और जब कभी सेकंड रोल की जरूरत होती थी, यानी कि जो फिल्म में मेन रोल होता है उसके बाद सेकेंडरी रोल की जब कभी भी जरूरत होती थी, तो उसको भी वो बहुत बखूबी निभाता था. तो जिससे पता चलता है कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट भी. ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एवरीवन ही केम अक्रॉस एंड हिज हाउस वॉज परमानेंट रेजिडेंस फॉर डजन ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस एंड एक्विंटेंसेस. अब बताया जा रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा जेन्युइन भी था. किसकी बात की जा रही है, ये ही आया स्टूडेंट सुब्बू के लिए, जो कि मेकअप डिपार्टमेंट में बॉस के बाद सेकंड नंबर पे है. तो बताया जा रहा है कि वो इतना जेन्युइन था, जेन्युइन मतलब ट्रू लव रखता था दूसरों के प्रति. और जब कोई भी उनके घर पे मान लिया कि दर्जन के हिसाब से भी कोई लोग आ जाते थे, यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में भी कोई उनके रिलेशंस आ जाते थे, रिलेटिव्स या एक्विटेंसेज, यानी कि उनकी जान पहचान के, पुरानी जान पहचान के आ जाते थे, तो बहुत अच्छे से उनके साथ उनका वो वेलकम करता था और उनके साथ ट्रू लव दिखाता था. इट सीम्स अगेंस्ट सुपोज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस that he was feeding and supporting so many of them. Conscious की meaning होती है student aware. तो सिब्बू के नेचर को देख के ऐसा कभी भी नहीं लगता था कि जैसे वो 12-15 लोगों को खाना खिला रहा है या अपने एक्सपेंसेस से, अपने खर्चे से उनको पाल रहा है, तो उसको ऐसा कभी भी फील नहीं होता था. Such a charitable and improvident man. And yet he had enemies. Was it because he seemed so close and intimate with the boss? अब हमारे author सोच रहे हैं कि ऐसे इतने टू पर्सन का भी और इतने चैरिटेबल पर्सन का भी क्या कोई एनिमीज, कोई दुश्मन हो सकता है. और वो कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो सुब्बू है वो बॉस के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होने के कारण ये जो ऑफिस बॉय है उससे इतना इरिटेट होता है और उसकी इतनी बुराई करता है मेरे पास आ. और वॉज इट हिज जनरल डिमिनोर दैट रिजेंबल्ड अ साइकोफेंट्स. डिमिनोर की मीनिंग होती है स्टूडेंट अपियरेंस, दिखाई देने वाला, बहुत ही अच्छा दिखाई देने वाला. और साइकोफेंट की मीनिंग होती है ओबिंग पर्सन, यानी कि सबका कहने मानने वाला. और हमारे ऑथर अब सोच रहे हैं कि या तो इसीलिए तो नहीं चढ़ता ये जो ऑफिस बॉय है सुबू से, कि वो बहुत ही अधिक आदर्श दिखता है और सबका कहना या बॉस का कहना बहुत अच्छे से मान लेता है और बॉस उसके इतने क्लोज है, शायद इसलिए चढ़ता है. और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग. या फिर वो सुब्बू से इसलिए चिढ़ता है कि वो सबसे हमेशा अच्छी अच्छी बातें बोलता है और कभी किसी से नफरत नहीं करता. In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subbu. Direst की मतलब होता है टेरिबल. और अब ऑथर कह रहे हैं कि कैसी भी, कितनी भी खराब सिचुएशन हो या जैसी भी सिचुएशन हो, ये जो ऑफिस बॉय है वो हर एंगल से ही सुब्बू से चिढ़ता रहता है. नाउ पेज नंबर 61 का फर्स्ट पैराग्राफ. यू सॉ सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स. वो कह रहे ज्यादातर तो तुम देखोगे सुब्बू को बॉस के साथ, लेकिन इसके बाद भी एक ग्रुप होता था जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट का ग्रुप था वहां पर, और जिसमें एक लॉयर होता था और कुछ राइटर और पोएट्स होते थे, तो उसमें भी सुब्बू दिखाई देता था. क्यों? क्योंकि सुब्बू एक पोएट भी था.
The lawyer was also officially known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. लॉयर थे वो भी सुब्बू को लीगल एडवाइजर मानते थे क्योंकि कानूनी रूप से भी सही सलाह देता था, बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट, लेकिन हर कोई उसको, बाकी जो दूसरे लोग थे वो उसको एज अ लीगल एडवाइजर नहीं चाहते थे और उसको उसका अपोजिट मानते थे. An extremely talented actress who was also extremely temperamental once below on the sets. Temperamental की meaning होती है student hot tempered या not calm. अब वो बता रहे हैं हमारे author कि एक बार set पर एक जो एक्ट्रेस थी वो बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड हो गई, बहुत ही ज़्यादा नाराज होने लग गई, जिसकी वजह से सेट्स पर उपस्थित सारे लोगों का जो मूड था वो उसने ब्लू कर दिया, मतलब उसका सबका मूड उसने खराब कर दिया. वाइल एवरीवन स्टूड स्टर्न द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट. स्टंट की मीनिंग होती है स्टूडेंट ग्रेटली सरप्राइज्ड. तो जब ये बहुत जोर जोर से, ये जो एक्ट्रेस की बात की थी कि हॉट टेम्पर्ड हो जाती थी, तो बहुत जोर जोर से जब चिल्ला रही थी तो एक लॉयर ने एक रिकॉर्डिंग का इक्विपमेंट को ऑन कर दिया, जिससे कि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई, शॉक हो गई और एक सेकंड के लिए रुक गई. व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ द लॉयर सेड टू हर 1 मिनट प्लीज एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग. जब वो चुप हो गई बोलते बोलते तो लॉयर ने कहा सिर्फ 1 मिनट प्लीज रुको और ये रिकॉर्डिंग सुनो, और उसने उसको रिकॉर्डिंग ऑन करके सुनाई. देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फॉल अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब उसने अपनी रिकॉर्डिंग को सुना, अपनी आवाज को सुना, टायरेड की मीनिंग होती है स्टूडेंट लॉन्ग स्पीच, कि उसने जब अपनी लंबी स्पीच देते हुए सुना तो उसने अपनी रिकॉर्डिंग में देखा कि वो जितनी भी बातें बोल रही थी तो उसमें जेमिनी स्टूडियो के प्रोड्यूसर के बारे में उसने फाउल नहीं बोला, यानी कि उनके बारे में कुछ भी, जेमिनी स्टूडियो के बारे में उसने गलत नहीं बोला अपनी स्पीच में. बट वेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज स्टक डम. लेकिन जब उसने इक्विपमेंट में अपनी आवाज को सुना तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गई. अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ द वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली प्रीसीड अ पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटापल्टेड इनटू. कैटापल्टेड की मीनिंग होती है स्टूडेंट सडनली बिकेम फेमस, और प्रीसीड की मीनिंग होती है हैपनिंग बिफोर, और कंट्री साइड की मीनिंग होती है रूरल एरिया. तो जब उसने अपनी रिकॉर्डिंग में अपने आप को सुना कि वो इस तरीके से बोल रही है और वो एक विलेज एरिया से आई है, एंड सोफिस्टिकेशन की मीनिंग होती है बीइंग इंटेलिजेंट, और कि इतने इंटेलिजेंट लोगों के बीच में उसने इस तरीके से बिहेव किया, अपनी रिकॉर्डिंग को सुनकर सरप्राइज होकर वो वहां से चली जाती है. कौन है ये एक्ट्रेस जो सेट पे एक्टिंग कर रही थी. She never quite recovered from the terror she felt that day. और उस दिन की फीलिंग के बाद, जब वो डर गई थी कि सबके सामने मैंने कैसा बोल दिया, उस फीलिंग के बाद उस डर से वो बाहर नहीं निकल पाई. That was the end of a brief and brilliant acting career. The legal advisor who was also member of the story department had unwittingly brought about that sad end. तो तभी से ही, जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी तभी से ही इतने ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर के ऊपर फुल स्टॉप लग गया, उसका एंड हो गया. क्यों? क्योंकि उसके बाद उसने एक्टिंग नहीं करी. तो ये सब किसने किया? उसी डिपार्टमेंट के एक लीगल एडवाइजर ने किया, लेकिन ये सब कुछ उसने अनविटिंगली की मीनिंग होती है अननोइंगली, ये सब कुछ उसने जानबूझकर नहीं किया. उसको इतना नहीं पता था कि उसकी ये रिकॉर्डिंग करने से और उसको आवाज सुना देने से उसके कैरियर पे फुल स्टॉप लग जाएगा या उसका कैरियर बिल्कुल द एंड हो जाएगा. व्हाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वॉर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड हेड क्लम्सली टेलरॉड व्हाइट खादी शर्ट द लीगल एडवाइजर वॉर पैंट्स एंड अ टाई एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल. ऑथर बता रहे हैं
कि स्टोरी डिपार्टमेंट के सभी मेंबर जो थे वो खादी धोती पहनते थे और खादी ही शर्ट पहनते थे, लेकिन वो जो शर्ट होती थी वो क्लम्सली होती थी। क्लम्सली की मीनिंग होती है स्टूडेंट केयरलेस वे में, बिल्कुल ढंग से प्रेस वगैरह नहीं होती थी, और ऐसी शर्ट और धोती पहनते थे और वो दोनों खादी की होती थी। लेकिन ये जो लीगल एडवाइजर था वो एक लॉन्ग कोट पहनता था, वो ऐसा कोट पहनता था जिसके ऊपर मेटल के डिजाइन से बने होते थे और वो मेल कोट की तरह होता था लॉन्ग कोट। ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, अ मैन ऑफ कोर लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, अ न्यूट्रल मैन इन असेंबली ऑफ गांधीजीट्स एंड द खादीट्स। यहाँ कहा जा रहा है कि वो जो लीगल एडवाइजर था वो बिल्कुल अकेला भी रह सकता था, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं रहती थी, और वो हमेशा न्यूट्रल रहना था। न्यूट्रल का मतलब है कि किसी की भी परवाह नहीं करता था, वो हमेशा न्यूट्रल रहता था, अकेला रह सकता था, और वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड लॉजिक भी था। कोल्ड लॉजिक मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि उसके बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी, जो वहाँ लॉयर था स्टोरी डिपार्टमेंट का, लीगल जो एडवाइजर था। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म एंड दो अ रॉ स्टॉक ऑफ पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, नॉट मच केम ऑफ द फिल्म। हमारे ऑथर बता रहे हैं कि बॉस के अलावा और भी लोग थे जिनको फिल्म प्रोड्यूस करने की परमिशन थी, जिसमें ये लीगल एडवाइजर भी थे, और उन्होंने भी एक फिल्म प्रोड्यूस करी थी जिसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस के फेस पर बहुत ही ज्यादा पैनकेक लगाया गया था, लेकिन ये जो पिक्चर इन्होंने बनाई थी वो ज्यादा नहीं चली थी और फ्लॉप भी हो गई थी। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंटेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम। यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि एक दिन बॉस ने डिक्लेयर किया, घोषणा कर दी कि ये जो स्टोरी डिपार्टमेंट है ये बंद किया जा रहा है, और यहाँ पे जितने भी पोएट और राइटर काम करते थे वो सबकी जॉब चली गई, और इसी की वजह से वो जो लॉयर था, लीगल एडवाइजर था, उसकी भी जॉब चली गई। जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ द पोएट्स लाइक एस डी एस सेंगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। इट हैड एन एक्सीलेंट मैस विच सप्लाइड गुड कॉफी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। तो अब जेमिनी स्टूडियो में हमारे ऑथर बता रहे हैं कि एक फेवरेट जगह थी जहाँ पे सभी ये पोएट आया करते थे जिनके ये नाम दिए हुए हैं, और वो क्यों आते थे कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा मैस था जहाँ पे उनको एक अच्छी कॉफी प्रोवाइड होती थी, चाहे दिन हो या रात का समय हो तो वहाँ पे वो कॉफी पीने आया करते थे। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मिंट प्रोफेशन एंड द मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी वॉज रेदर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। ये बता रहे हैं ऑथर कि उन दिनों की बात है जब कांग्रेस का रूल हुआ करता था और ज़्यादा इधर उधर किसी से मिलने की परमिशन नहीं हुआ करती थी, तो ये एंटरटेनमेंट करने के लिए बेस्ट प्लेस था इन पोएट्स का, जहाँ ये आया करते थे कॉफी पीने। बेरिंग द ऑफिस बॉय एंड द कपल ऑफ क्लर्क्स एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियो रेडिएटेड लीजर आ प्री रिक्वेस्टिंग फॉर द पोएट्री। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो ऑफिस बॉय के अलावा जितने भी क्लर्क और सभी पर्सन थे उस डिपार्टमेंट के, वो अपना फ्री टाइम, लीजर मतलब फ्री टाइम, यहाँ पोएट्री के बारे में जो डिस्कशन होता है या प्री इक्विजिट करते थे, यानी कि प्री कंडीशन को प्रिपेयर करते थे यहाँ पर बैठकर। मोस्ट ऑफ देम वॉर खादी एंड वॉरशिप्ड गांधी जीज, बट बियॉन्ड दैट दे हैड नॉट द फैंटेस्ट एप्रिसिएशन फॉर द पॉलिटिकल थॉट ऑफ एनी काइंड। सर बता रहे हैं कि उनमें से जो ज्यादातर लोग थे वो गांधी जी के वॉरशिप थे, खादी पहनते थे, यानी कि गांधी जी को फॉलो करते थे, और उनका किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी से उनको कोई मतलब नहीं होता था, वो केवल यहाँ पर आके अपने पोएट्री से रिलेटेड ही काम करते थे। नेचुरली देवर और एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। कम्युनिज्म की मीनिंग होती है स्टूडेंट कलेक्टिविज्म, यानी कि जो सभी लोग थे वो सब एक साथ मिलकर वहाँ पे अपना प्लान बनाते थे, क्योंकि वो स्टोरी डिपार्टमेंट के थे, वहाँ पे सभी पोएट और राइटर अपना प्लान बनाते थे, तो इसलिए वहाँ पे उनको पॉलिटिकल से रिलेटेड बात करना कुछ भी पसंद नहीं था और ना वे करते थे। कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन, ही हैड नो फिलियल
or conjugal love, he had no compunctions about killing his own parents or his children. अब बता रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट के लोग होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वो बिल्कुल फिलियल होते हैं, मतलब उनके मन में किसी के लिए भी प्यार नहीं होता और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी वो लोग प्यार नहीं रखते और इवन कि वो अपने पेरेंट्स या अपने बच्चों को किल भी कर सकते हैं. ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वॉयलेंस अमॉन्ग इनोसेंट एंड द इग्नोरेंट पीपल. बता रहे हैं कि कम्युनिस्ट इस टाइप के लोग होते थे कि जो हर जगह वॉयलेंस फैलाते थे, मारधार अहिंसा फैलाते थे. सच नोशन विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम आल्सो नेचुरली फ्लोटेड अबाउट वेगली अमॉन्ग द खादी क्लैड पोएट्स ऑफ जर्मनी स्टूडियोज. अब बताया जा रहा है कि इस प्रकार के नोशंस का मतलब होता है थॉट. तो इस प्रकार के थॉट जो पूरे साउथ इंडिया में फैले हुए थे, अब जर्मनी स्टूडियो के वो सीधे साधे जो खादी के पहनते थे और गांधी जी को फॉलो करते थे, उन पोएट्स तक भी जर्मनी स्टूडियो में ये विचार आ गए थे. एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग की मीनिंग होती है स्टूडेंट अबाउट टू कम. तो वो बता रहे हैं कि इस चीज का भी एविडेंस यानी कि प्रूफ सभी को मिलने वाला था. When Frank Bachman's Moral Rearrangement Army, some 200 strong, visited Madras sometimes in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studio. अब एक ये पोएट के बारे में बता रहे हैं कि एक पोएट था जिसका नाम था फ्रैंक बचमैंस और इसके जो आर्मी में कितने लोग थे, 200 लोगों की इनकी आर्मी थी और वो 1952 में मद्रास में आए थे और कहते हैं कि इंडिया में जर्मनी स्टूडियो के अलावा इनके इतने अच्छे से वेलकम करने वाला या कोई और इनका होस्ट नहीं था जितना कि जर्मनी स्टूडियो. समवन कॉल्ड द ग्रुप एंड इंटरनेशनल सर्कस, दे वर नॉट वेरी गुड ऑन ट्रेपीज एंड देयर एक्विंटेंसेस विद द एनिमल्स वॉज ओनली एट द डिनर टेबल बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेस इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर. यह बता रहे हैं ऑथर हमें कि यहाँ जर्मनी स्टूडियो के सब लोग तो उन्हें क्या समझ रहे थे कि सर्कस वाले समझ रहे थे. टैपेज मतलब जो अलट पलट करके अपने आप को उल्टा करके सर्कस दिखाते हैं ना, उस टाइप के लोग लग रहे थे कह रहे हैं. लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि वो एनिमल का जो कर्तव्य दिखाते हैं सर्कस में, ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं दिखाते थे. एनिमल तो केवल उनको डिनर टेबल पर मिलते थे, यानी कि वो नॉन वेज वगैरह जब खाते थे तभी एनिमल से अवगत होते थे, अदरवाइज वो नहीं. तो इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि वो सर्कस करने वाले नहीं थे. आगे ऑथर बताते हैं कि उन्होंने जर्मनी स्टूडियो में दो बहुत मोस्ट प्रोफेशनल मैनर से दो प्ले किए थे, देयर जोनाथन वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर. तो ये दोनों प्ले जो उन्होंने किए थे उनके नाम है. रैन सेवरल शोज इन द मद्रास एंड अलोंग विद द अदर सिटीजन ऑफ द सिटी द जर्मनी फैमिली ऑफ 600 सा द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन. कह रहे हैं ये जो तो इन्होंने प्ले किए थे जर्मनी स्टूडियो में आके, तो वहाँ जो मद्रास के रहने वाले लोग थे उन्होंने इस प्ले को बार बार और बहुत बार देखा था. द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट. हमें बताते हैं कि जो उन्होंने दो प्ले किए थे वो बहुत ही सिंपल और प्लेन थे, लेकिन उसमें कोई होमिलीज यानी कि एक धार्मिक मैसेज वो लोग जरूर छोड़ते थे, लेकिन जो वो जो कॉस्ट्यूम पहनते थे वो बिल्कुल नंबर वन की होती थी. मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेज हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली विद अ बेयर स्टेज अ वाइट ब्लैक बोर्ड कर्टेन एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट. ऑथर कहते हैं कि जो इन्होंने प्ले किया था जो नाथम वैली, उसका जो इन्होंने स्टेज बनाया था सनराइज और सनसेट का, पीछे कर्टेन लगा होता था, वाइट कलर का बैकग्राउंड होता था और उसमें सनराइज और सनसेट के सीन प्रस्तुत किए जाते थे, तो उस सीन को, उस स्टेज को मद्रास के जर्मनी स्टूडियो में और मद्रास में बहुत लोगों ने बहुत सालों तक उसको कॉपी किया था. उसमें क्या होता था कि एक वाइट कलर का बैकग्राउंड कर्टन लगा होता था, सनराइज और सनसेट सीन होते थे और कोई उसमें फ्लूट की ट्यून बजा रहा होता था, तो इसको वहां कॉपी किया गया बहुत सालों तक. इट वॉज सम इयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट द MRA वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वेसन सिंपली प्लेड इन टू देयर हैंड्स.
एमआरए का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट मॉरल रीअरेंजमेंट आर्मी। ये जो आर्मी आई थी इन लोगों ने, ये जो सिंपल यहाँ के बॉस थे मिस्टर वैसन, कहाँ के बॉस, जो जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे, उनको इन्होंने मूर्ख बना दिया। प्लेड इन टू इन देयर हैंड्स, मतलब उनसे अपना काम निकलवा लिया और उनको मूर्ख बना के चले गए। आई एम नॉट श्योर हाउ एवर दैट दिस वॉज इन डीड द केस फॉर द अंडरचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बिग बॉसेस एंड देयर एंटरप्राइजेज रिमेन द सेम एमआरए और नो एमआरए। इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म। तो यहाँ ऑथर बता रहे हैं कि ये जो दो बड़े बड़े बॉस थे, कौन बड़े बड़े बॉस, एक तो जेमिनी स्टूडियो के जो ओनर थे वो, और एक जो एमआरए के हेड थे, दोनों जो बॉसेस थे इन, चाहे इनकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिज्म वहाँ पे आया कहाँ, जेमिनी स्टूडियो में, या इंटरनेशनल कम्युनिज्म नहीं हुआ, इन दोनों के बॉस के आपस की अंडरस्टैंडिंग में कोई चेंज नहीं आया। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल यूज एंड साइज ऑफ एट लीस्ट 20 नेशनलिटीज। यूज का मतलब है स्टूडेंट डिफरेंट कलर, और साइज का मतलब है एज। तो बताया जा रहा है कि जो जेमिनी स्टूडियो के जो होस्टिंग करने वाले 200 लोग थे जिन्होंने इनको होस्ट किया था, तो वे लोग को बहुत अच्छा लगा था इनकी होस्टिंग करना। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग कलर्स के थे, मतलब कोई अफ्रीका से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया, अलग अलग कलर्स के थे, और साइज का मतलब है यहाँ पे एज, अलग अलग एज के थे। तो और वो हमेशा क्या करते थे, सिर्फ मेकअप में ही लगे रहते थे, मेकअप डिपार्टमेंट में ही वर्क करते रहते थे। तो जब ये लोग आए यहाँ पे, इन्होंने प्ले किया, तो इनको होस्ट करना वहाँ जेमिनी स्टूडियो के लोगों को बहुत अच्छा लगा। इट वॉज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विद थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। जेमिनी स्टूडियो के लोग बहुत खुश हुए। वे लोग क्यों खुश हुए? क्योंकि हर समय तो वो स्लैप उठा थिक लेयर जो है उठा उठा के केवल आर्टिस्ट के फेस पे लगाते रहते थे, उनका यही काम होता था। लेकिन इनको साथ जब उन्होंने टाइम स्पेंड किया तो वो लोग बहुत खुश हुए। फ्यू मंथ लेटर द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बज्ड एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर। कह रहे हैं फिर कुछ महीनों के बाद एक टेलीफोन कॉल आई जेमिनी स्टूडियो के बॉस के पास कि यहाँ पर इंग्लैंड से कोई शूटिंग करने के लिए अलग से विजिटर आ रहे हैं। ऑल दे सेड वॉज दैट ही वॉज ए पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, और बताया कि वो जो है आ रहे हैं वो पोएट है, इंग्लैंड से आ रहे हैं। द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर वुड्सवर्थ एंड टेनिसन। यहाँ बता रहे हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो का स्टाफ है, सिंपल जो वहाँ के पोएट है, वो केवल किन के नाम जानते थे, वुड्सवर्थ एंड टेनिसन। द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स शैली एंड ब्रायन, और जो उसमें से थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे पोएट थे वो किसको जानते थे, कीट्स को, शैली को, और ब्रायन को, ब्रायन को भी जानते थे। एंड वन और टू माइट हैव फ्रेंडली कम टू नो टू समवन बाय द नेम इलियट, लेकिन उसमें से शायद एक या दो ही ऐसे पोएट होंगे जिन्होंने इलियट पोएट का नाम सुना हुआ था। हु वॉज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो। सारे पोएट कंफ्यूज हो जाते हैं जो जेमिनी स्टूडियो में है, वो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने इन पोएट्स के नेम तो सुने हुए हैं, लेकिन वो कौन पोएट है जो जेमिनी स्टूडियो में अब आ रहे हैं। ही इज नॉट अ पोएट, ही इज एन एडिटर। फिर किसी ने बताया कि वे एक पोएट नहीं है, वो तो एडिटर है जो आ रहे हैं। दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन, इसीलिए तो जो जेमिनी स्टूडियो के बॉस है उन्होंने एक बहुत बड़ा उनको रिसेप्शन दिया है। वैसन बॉस Also the editor of the popular Tamil weekly Nanda Viketan. अब किसी ने ये गैस किया कि जो मिस्टर वैसन है, ये जो जेमिनी स्टूडियो के बॉस है, वे खुद भी एडिटर है, इसीलिए जो, और उन्होंने एक तमिल वीकली अनंदा विकेटन के नाम से बहुत ज़्यादा वो फेमस भी हैं, तो इसीलिए शायद कोई एडिटर ही आ रहे हैं, ये किसी ने गैस किया। ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नॉन नेम ऑफ द ब्रिटिश पब्लिकेशंस इन मद्रास, दैट इज दोज नो नॉन एट द जेमिनी स्टूडियो। किसी ने गैस किया कि नहीं, वो एडिटर नहीं है, क्योंकि जितने भी एडिटर्स हैं वहाँ मद्रास के जेमिनी स्टूडियो में नॉन जाने जाते हैं वे सब, तो इसीलिए तो वो एडिटर नहीं हो सकते। सिंस द टॉप मैन द हिंदू वर टेकिंग इनिशिएटिव द सरमाइज वॉज डेट द पोएट वॉज
द एडिटर ऑफ द डेली बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन और द लंदन टाइम्स। तो ये जो दो नाम दिए हुए हैं द मैनचेस्टर गार्जियन और लंदन टाइम, ये बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर के नेम हैं, और द हिंदू और ये डेली है, ये न्यूज़पेपर का मेरा नाम है। तो ये गैस कर रहे हैं, सरमाइज का मतलब होता है गैस, तुक्का लगाना, अनुमान लगाना, और वहाँ कोई और लोग और जो पोएट है वो अनुमान लगा रहे हैं कि वे, ये तो हमें पता है कि ये जो डेली न्यूज़पेपर है इसके वो एडिटर नहीं है, और तो वो कौन है। तो कोई ये तुक्के लगाते लगाते कुछ उनके गैस सही भी हैं और कुछ गलत भी हैं। एट लास्ट अराउंड 4 इन द आफ्टरनून द पोएट और द एडिटर अराइव्ड। शाम के 4 बज गए और वो जो पोएट थे या इनके हिसाब से या एडिटर थे, तो वो 4 बजे दोपहर के बाद आ गए। ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। ऑथर बता रहे हैं कि जब वे आए तो वो बहुत लंबे मैन थे, इंग्लिश बहुत अच्छी फ्लुएंसी से बोलते थे और बहुत ही सीरियस थे, मतलब आराम से बैठे हुए थे, और अननोन ऑल ऑफ अस, हमारे में से उनको कोई नहीं जानता था। बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज। हमारे ऑथर बता रहे हैं कि जब उनके वेलकम के लिए हमारे बॉस ने, मिस्टर वासन ने स्पीच दे रहे थे, तो वो बहुत प्रॉब्लम के साथ दे पा रहे थे क्योंकि लगभग 6 वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पंखे चल रहे थे जिससे कि वहाँ उनकी आवाज़ गूंज रही थी, और जो वेलकम स्पीच वो दे रहे थे हमारे बॉस, वो बहुत ही प्रॉब्लम के साथ दे पा रहे थे। डाउट अ लॉन्ग स्पीच, कह रहे हैं बॉस ने बहुत लंबी सी स्पीच दी। इट वॉज ऑब्वियस डेट ही टू न्यू प्रेशियस लिटिल अबाउट द पोएट और द एडिटर। उस स्पीच से पता चल रहा था कि हमारे जो बॉस को, उनको भी परफेक्टली नहीं पता था कि ये जो आए हैं ये पोएट है या एडिटर है, मतलब वो भी कंफ्यूज हो रहे थे। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स बट हेयर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। ऑथर बताते हैं कि जो स्पीच थी से तो वो स्पीच बहुत ही जनरल थी, लेकिन कहीं कहीं पर उसमें पेपर यानी कि उसमें यूज किए गए थे, कहीं कहीं पर फ्रीडम और डेमोक्रेसी के वर्ड यूज किए गए थे स्पीच में। देन द पोएट स्पोक, जब ये स्पीच कंप्लीट हुई उसके बाद वो जो आए हुए थे बाहर से पोएट इंग्लैंड से, उन्होंने स्पीच देना स्टार्ट किया। ही कुडंट have addressed a more dazed and silent audience. No one knew what he was talking about and his accent defeated any attempt to understand what he was saying. की मीनिंग होती है स्टूडेंट कंफ्यूज। अब ऑथर कहते हैं कि जब उन्होंने स्पीच देना स्टार्ट किया जो पोएट आए हुए थे, तो वो भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज, डेज्ड हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि हम ऑडियंस की साइलेंट को देखकर, क्योंकि वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये ऑडियंस को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो और वो अपनी स्पीच दे रहे थे। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर, 1 घंटे तक ये स्पीच चली। देन द पोएट लेफ्ट, उसके बाद ये पोएट चले गए। एंड वी ऑल डिस्पर्ड इन बैफलमेंट, बैफलमेंट की मीनिंग होती है कंफ्यूज्ड, और कंफ्यूजन के साथ ही हम सब भी वहां से चले गए। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे थे? व्हाट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल। अब बता रहे हैं कि हमें तो खुद ही भी नहीं पता था कि ये जो पोएट है वो यहाँ क्या करने आए हैं, क्योंकि यहाँ तो स्टूडियो में तो तमिल फिल्म बनती थी और कुछ लोग मिलके स्टूडियो में काम करते थे फिल्म बनाने का, लेकिन सब लोग कंफ्यूजन में थे कि ये पोएट यहाँ क्यों आए और कौन सी स्पीच देके गए। उनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आया और सब कुछ क्या रह गया, बफलमेंट रह गया, यानी कि कंफ्यूजन में ही रह गया। People whose leaves least afforded them the possibility of the cultivating a taste for English poetry. जितने भी वहाँ लोग प्रेजेंट थे, वे सभी लोग इंग्लिश पोएट्री में, कल्टीवेटिंग का मतलब तो इंटरेस्ट लेना, तो इंटरेस्ट लेते हुए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे थे। द पोएट लुक पैटी बैफल टू, और वो जो पोएट था वो भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शीर इनकॉन्क्रिटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट। इनकॉन्क्रिटी की मीनिंग होती है नॉट मैचिंग, एंड ट्रेवल्स की मीनिंग होती है एफर्ट लगाना। तो इतने एफर्ट के साथ कंप्लीट स्पीच जब दी थी उस पोएट ने, तो वो भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में था कि मेरे इतने एफर्ट लगाने के बाद भी किसी को मेरी स्पीच समझ में नहीं आ रही है। हिज विजिट रिमेन्ड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, और वो जो उसकी विजिट थी वो एक केवल रहस्य ही बन के रह गई।
The great prose writer of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. हमारे author का ये मानना है कि ये जो prose writing है, novel लिखना, बड़ी stories, तो author का मानना है कि ये जो prose writing है, वो केवल एक ये genius जो बहुत ही intelligent लोग होते हैं, इसी का एक way ही नहीं कर सकते, मतलब वो genius लोग भी prose writing को ही नहीं लिख सकते, ऐसा मानना हमारे author का दिन प्रतिदिन, day after day, दिन ब दिन क्या होता जा रहा था, strong होता जा रहा था ये idea, और conviction का मतलब है belief, तो वो believe करते थे कि जो बहुत ही ज़्यादा genius लोग होते हैं, prose writing वे भी अच्छे तरह से नहीं लिख सकते, it is for the patient, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. Rejection making a fresh copy of the low prose piece and sends it on to another editor and closing postage for the return of the manuscript. Persistent की meaning होती है student sustain यानि कि बिना थके हुए मेहनत करना और preserving की meaning होती है determined या continuous मेहनत करते ही जाना और drudged की meaning होती है hard working. तो जैसा कि हमारे author कह रहे थे अभी पहले line में कि जो प्रोज राइटिंग है वो जीनियस के लिए भी इजी नहीं है, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट के लिए जरूरी नहीं है कि हर इंटेलिजेंट बंदा जो है कि प्रोज लिख लेगा, प्रोज राइटिंग कर लेगा. कह रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा जब वो पोएट बिना थके हुए कंटिन्यूसली हार्ड वर्किंग करते रहते हैं और उसके बाद भी कोई दूसरा होगा तो वो तो कहेगा कि चलो छोड़ो ये काम नहीं हो रहा और कोई कॉपी पेस्ट किया किसी चीज को इंटेलिजेंट पर्सन ने और अपना कंप्लीट कर दिया. लेकिन जो पोएट है वो बिना रुके हार्ड वर्किंग करते हुए भी अपनी जो पोएट्री है उसको कंप्लीट करते हैं. मैनुस्क्रिप्ट की मीनिंग होती है स्टूडेंट हैंड रिटन. अब बता रहे हैं ऑथर अपना आइडिया देते हुए कह रहे हैं कि इतना जो उनका फेस होता है पोएट का वो भी श्रृंखलन हो जाता है, सिकुड़ सा जाता है हार्ड वर्किंग करते करते और वो जो अपने हैंड लिखन जो हाथ से लिखे हुए उनके नोट होते हैं उनको तब तक एनक्लोज नहीं करते जब तक ये एडिटर अपने पोस्टर में उसको छाप नहीं देता. और तो ये केवल काम इंटेलिजेंट लोगों का ही नहीं है, ये उन्हीं का काम है जो बहुत ही बिना रुके कंटिन्यूसली हार्ड वर्किंग करते हैं. इट वाज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड द टिनी अनाउंसमेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर. फिर बताते हैं कि इन्हीं हार्ड वर्किंग करने वालों के लिए ये जो पोएट्री नॉवल वगैरह ये लिख लेते हैं. पहले तो थॉट दिया है ना हमारे ऑथर ने कि एक इंटेलिजेंट के बस का बात नहीं है ये प्रोज राइटिंग करना, वो तो अगर एक बार फेल हो जाएगा तो वो कहेगा चलो छोड़ो या कॉपी पेस्ट करके कंप्लीट करेगा काम को. लेकिन जो हार्ड वर्किंग होते हैं वो ही इस काम को कंप्लीट करते हैं. अब ऑथर कहते हैं कि ये जो द हिंदू एक न्यूज़पेपर है इन्होंने एक अनाउंसमेंट निकाला है इन्हीं के लिए, किनके लिए, ये जो हार्ड वर्किंग होते हैं ये जो राइटर प्रोज राइटिंग लिखते हैं इनके लिए ब्रिटिश पीरियोडिकल की तरफ से एक ऑर्गेनाइज किया गया है प्रोग्राम जो कि ये द हिंदू पत्रिका में निकाला गया है न्यूज. और उसका नाम क्या है उस प्रोग्राम का, द एनकाउंटर. कॉज द एनकाउंटर वॉज नॉट अ नॉन कमोडिटी अमंग द जर्मनी लिटरेटी. लिटरेटी की मीनिंग होती है स्टूडेंट पर्सन इंटरेस्टेड इन लिटरेचर. तो वास्तव में ये जो प्रोग्राम रखा गया है द एनकाउंटर ऑर्गेनाइज किया गया है ये उन्हीं के लिए है जिनको साहित्यिक रूप से जो लोग साहित्यिक में पूरी तरह से इंटरेस्ट नहीं रखते. आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल बिफोर आई स्पेंड अ कंसीडर्ड सम इन द पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड. हर कहते हैं कि मेरा मानना था कि इंग्लैंड में जो ये रजिस्टर करना था इस प्रोग्राम के लिए द एनकाउंटर में रजिस्टर करने के लिए बहुत ही मनी और डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे. तो कह रहे हैं उन सबको रजिस्टर करने से पहले मैं सोचता था, मेरा मानना ये था कि इस बुक को मैं पहले पढ़ लूं. ये जो द एनकाउंटर नाम की बुक है, इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड द एंट्रेंस विद नो लॉन्ग विंडेड
साइन बोर्ड्स एंड नोटिसेस टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इनटू अ फॉरबिडन एरिया। आगे उत्तर बता रहे हैं कि उन दिनों में ब्रिटिश काउंसिल की लाइब्रेरी के बाहर कोई साइन बोर्ड या नोटिस बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा हुआ था और स्नीक की मीनिंग होती है विदाउट गेटिंग नोटिस, तो बिना किसी चीज को या साइन बोर्ड को नोटिस करते हुए एंटर करना। तो कह रहे हैं कि ऐसी जगह पे वो लाइब्रेरी थी एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लेंड अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय द रीडर्स। और बता रहे हैं कि उस एनकाउंटर में जो लाइब्रेरी के अंदर ऐसी वहाँ पे फ्रेशनेस कॉपीज पड़ी हुई थी एनकाउंटर की, उस बुक की इतनी सारी फ्रेश कॉपीज पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि किसी ने भी रीडर ने आके इसको टच तक भी नहीं किया है। व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माय श्रंकन हार्ट। तो हमारे ऑथर ने जैसे ही उसके एडिटर का नाम पढ़ा था, एनकाउंटर बुक के एडिटर का नाम पढ़ा, तो वैसे उनके हार्ट में एक घंटी सी बज गई। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई सैंग एज आई सील्ड द एनवलप एंड रोट आउट हिज एड्रेस। जैसे ही अशोका मित्र ने उस पोएट का नाम पढ़ा तो उनके माइंड में घंटी सी बज गई, क्योंकि जो जेमिनी स्टूडियो में एक पोएट स्पीच देने आए थे और उनकी स्पीच एक मिस्ट्री बन के रह गई थी, किसी ऑडियंस को समझ में नहीं आई थी। तो जब उन्होंने उस द एनकाउंटर बुक के एडिटर का नाम पढ़ा तो उनके माइंड में वो एक घंटी सी बज गई और उन्हें ध्यान आ गया कि अरे ये तो वही पोएट है जो जेमिनी स्टूडियो में स्पीच देने आए थे और उन्होंने उसका एड्रेस भी बुक से पढ़ा और उनको ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई मेले में खोया हुआ उनका भाई उनको मिल गया है। आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म्स। स्टीफन स्पैंडर स्टीफन दैट वॉज हिज नेम। तो यहाँ पे हमारे ऑथर फिल्म का थोड़ा सा आइडिया देते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार फिल्म में दो भाई स्टार्टिंग में बिछड़ जाते हैं और उसके बाद फिर लास्ट में मिलते हैं, उसी प्रकार अगर वो स्टीफन स्पैंडर जो पोएट है उसके द एडिटर है किसके द अकाउंटर बुक के, अगर वो जिस प्रकार मेरे दिल में घंटी बजी उनका नाम पढ़ के, अगर वो मुझे देख लेंगे और उन्हें भी याद आ जाएगा कि हाँ ये तो जेमिनी स्टूडियो से है और उनको ध्यान आएगा, तो फिर वो भी ऐसे ही बिछड़े हुए दो भाइयों की तरह जिस प्रकार वो मिल जाते हैं मेले में, तो वो भी ऐसा ही रिएक्ट करने लगेंगे मुझे देखकर, ऐसा सोच रहे हैं हमारे जो ऑथर है अशोका मित्र। अशोका मित्र को उनके नाम का भी पता चल गया है कि जो स्पीच देने आए थे जेमिनी स्टूडियो में उनका नाम स्टीफन स्पेंडर है। एंड इयर्स लेटर व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी एनीथिंग एट अ रिड्यूस्ड प्राइस अटैच्ड माय अटेंशन। अशोका मित्तन बता रहे हैं कि कुछ साल बाद जब जेमिनी स्टूडियो मैंने छोड़ दिया था तो उसके बाद जब कभी कोई अच्छी बुक मुझे कम प्राइस पे मिलती थी तो मैं उस पे ध्यान देता था, उसको खरीद लेता था। और ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के बाहर फुटपाथ पर माउंट रोड पे जो पोस्ट ऑफिस था उसके बाहर देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच। तब ऑथर ने एक बार देखा कि वहां पर माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के बाहर मद्रास में फुटपाथ पे जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच, कि ब्रांड की नए नए ब्रांड की बुक्स का ढेर लगा पड़ा है और हर बुक 50 पैसे की है। एक्चुअली देवर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एंड एलिगेंट पेपर पैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। ऑथर बताते हैं कि वास्तव में तो ये उन बुक की कॉपी थी लेकिन जो उसका पेपर पैक था वो बहुत ही सुंदर था, तो उसमें से मैंने भी एक बुक खरीद ली। स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। अब वो इतने कम प्राइस पर बुक उनको क्यों मिल गई, क्योंकि उस समय रशियन रेवोल्यूशन की 50th एनिवर्सरी थी तो इसीलिए वहाँ पे बुक की सेल लगी हुई थी। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फील्ड। तो मैंने भी पैसे पे किए 50 पैसे और उसमें से द गॉड दैट फील्ड
वेल नाम की एक बुक ले ली, सिक्स एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन सिक्स सेपरेट एसेज डिस्क्राइब देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसिल्यूजनड रिटर्न। जो ऑथर ने बुक खरीदी थी द गॉड दैट फेल्ड, इस बुक में सिक्स ऑथर्स थी, सिक्स एडिटर्स थी जिसने सिक्स ऐसे लिखे हुए थे, अलग अलग ऑथर ने सिक्स ऐसे लिखे हुए थे, तो इस बुक में सिक्स एडिटर की लिखी हुई सिक्स ऐसेज थे और उन एडिटर्स के नेम क्या थे, एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो साइलॉन, आर्थर कैस्ट्रॉलर, लुइस फिस्टर एंड स्टीफन स्पेंडर। तो ये सिक्स ऑथर थे जिन्होंने ये बुक लिखी। ये बुक उन्होंने किस में, इस बुक में उन्होंने किस के बारे में लिखा हुआ था, कम्युनिज्म एंड देयर डिसिल्यूजन। कम्युनिज्म की मीनिंग होती है फिर पॉलिटिकल सिचुएशन जिसमें सभी लोग अपने एसेट्स इकट्ठा करते हैं और उसको फिर बाद में यूज करते हैं, और उसी बुक में ही इन्होंने डिसिल्यूजन के बारे में भी लिखा हुआ था और इनको पता चल गया था कि ये बातें सही नहीं है, ये हिंसा फैलाने वाला है, तो उन्होंने इस बुक में डिसिल्यूजन के बारे में भी लिखा था इन छह ऑथर्स में, जिसमें एक स्टीफन स्पेंडर भी थे। इससे ऑथर को पता चल गया था कि ये वही ऑथर है, जो वही पोएट है जो जेमिनी स्टूडियो में स्पीच देने आए थे, और उनको ये भी पता चल गया था कि वो किस बारे में स्पीच देने आए थे, अर्थात वे कम्युनिज्म पर अपनी स्पीच देने आए थे जेमिनी स्टूडियो में। तो आज हमारे ऑथर को उसका भी पता चल गया। स्टीफन स्पेंडर एज्यूम्ड टू बी लेस, स्टीफन स्पेंडर हमारे ऑथर जो अशोका मित्तल है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सिग्निफिकेंस उनको ये बुक लगती है और वो सोचते हैं कि ये मेरे लिए पढ़ना, ये बुक मेरे लिए पढ़ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय अ हेजी इल्यूमिनेशन। ऑथर कहते हैं कि जब मैंने इस ऑथर का नाम पढ़ा, स्टीफन स्पेंडर का नाम देखा बुक में, तो मेरे जो डार्क माइंड था, मतलब जो मेरे दिमाग में कंफ्यूजन था, डार्क चैम्बर यानी कि जो मेरे माइंड में कंफ्यूजन था कि वो कौन पोएट आए थे और किस बारे में वो बोलना चाहते थे, तो वो लिट अप हो गया, यानी कि वहां बत्ती जल गई और मुझे सब समझ में आ गया कि ये जो स्टीफन स्पेंडर है वो कम्युनिज्म के बारे में स्पीच देने आए थे जेमिनी स्टूडियो में। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वाज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री। जेमिनी स्टूडियो में जो स्टीफन स्पेंडर आए थे और जो मिस्ट्री बन गई रही थी, वो मिस्ट्री अब सॉल्व हो गई और अब पता चल गया कि स्टीफन स्पेंडर वास्तव में वहाँ क्या कहने आए थे। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री बट नॉट विद हिज गॉड दैट फील्ड। अब हमारे ऑथर कह रहे हैं अशोका मित्रन कि जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस थे उनको तो पोएट्री से कोई लेना देना नहीं था, ना ही उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि ये स्पीच जो स्टीफन स्पेंडर है वो किस बारे में बताने आए थे, लेकिन ये जो द गॉड दैट फेल्ड नाम की बुक है इससे ये सारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई और पता चल गया कि आखिर स्टीफन स्पेंडर वहां पे जो जेमिनी स्टूडियो में आए थे वो कम्युनिज्म पर अपने स्पीच देने आए थे। अर्थात द गॉड दैट फेल्ड बुक नाम की बुक जो फुटपाथ से हमारे ऑथर ने खरीदी थी, उस बुक ने उस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट, मिस्ट्री सॉल्व होने के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। पैनकेक की मीनिंग यहाँ पर मेकअप में इस्तेमाल किए गए एक प्रोडक्ट से है। स्टूडेंट, पोएट एंड पैनकेक के ऑथर अशोका मित्रन मद्रास यानी कि जो चेन्नई है के जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही वे हमें बताते हैं कि जेमिनी स्टूडियो में पैनकेक्स ट्रक भर भर के आता था। ये पैनकेक वही है जो मेकअप के लिए आर्टिस्ट को जो मेकअप किया जाता है उसमें जो यूज किया जाता है प्रोडक्ट, उसका नाम है पैनकेक। तो वो कह रहे ट्रक भर भर के यहाँ पे स्टूडियो में ये आता था क्योंकि पैनकेक्स आर्टिस्ट को लगाया जाता था और इतना ज्यादा लगाया जाता था कि कभी कभी वे भूत की तरह दिखने लगते थे। आगे ऑथर हमें बताते हैं कि मेकअप रूम में बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हैं जिसकी वजह से हीट निकलती है तथा मेकअप भी बहुत सारा आर्टिस्ट को लगा होता है जिससे उन्हें बहुत ही अनकम्फर्ट फील होता है। किसको, हमारे ऑथर को। वे कहते हैं कि मेकअप डिपार्टमेंट का काम आर्टिस्ट को सुंदर बनाना होता है, लेकिन वे इतना ज्यादा मेकअप लगा देते हैं कि वे यानी कि जो आर्टिस्ट हैं वे
और उससे अधिक बदसूरत दिखाई देते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब स्टूडियो में बहुत क्राउड होती है उस दिन स्टूडियो का ऑफिस बॉय भी क्राउड के मेकअप में जुट जाता है और थोप थोप कर उन पर पैनकेक्स लगाया करता था। ये जो ऑफिस बॉय है उसने सोचा था कि वह एक दिन बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा, लेकिन वह एक ऑफिस बॉय ही बनकर रह गया। फिर हमें बताते हैं कि स्टूडियो में उनका एक क्यूबिकल रूम था जहां वे बैठकर न्यूज़पेपर की क्लिप्स कट करके कलेक्ट करते थे। स्टूडियो में काम करने वाले कई अदर्स लोगों को भी लगता था कि ये तो वेले ही है, यानी कि खाली ही है, इनके पास आकर इनसे बातें करते रहे तथा कहानियां भी करते थे। और इसी तरह ऑफिस बॉय भी इनके क्यूबिकल में रूम में घुसकर सुबह से हुई परेशानियों के बारे में बताता था। सुबह एक ऑफिस बॉय था। सुबह को सभी लोग इम्पोर्टेंस देते थे क्योंकि वह एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था। बॉस भी उसको अच्छा मानते थे तथा उसकी एडवाइस भी सभी के काम आती थी। फिल्म मेकिंग में भी सुबह बहुत ही हेल्प करता था, उसके बिना फिल्म मेकिंग का काम अधूरा रहता था, इसलिए ऑफिस बॉय जो सुबह था वो उनसे जेलस होता था। सुबह जैनमी स्टूडियो में पोएट्री भी लिखता था, अर्थात वह एक पोएट भी था। और एक खास क्वालिटी भी खुशबू में थी कि वो बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी स्वभाव का था कि उसके घर पे जो कोई भी आता था उसका वे बहुत अच्छे से वेलकम करता था। सुबह एक स्टोरी डिपार्टमेंट में काम करता था जहाँ बहुत से पोएट और राइटर्स भी थे। ऑफिस के कई लोग उसे लीगल एडवाइज़र नहीं मानते थे क्योंकि वह कभी कभी सही काम नहीं करता था। फिर अशोका मित्रन बताते हैं कि एक बार 200 लोगों का ग्रुप जैमिनी स्टूडियो में शूटिंग के लिए आया, जिसका जैमिनी स्टूडियो के 600 लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया और इन्हें होस्ट किया। इन लोगों ने जो दो शो किए थे वे बहुत ही सिंपल थे, लेकिन इन्होंने जो कॉस्ट्यूम्स यूज़ की थी वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थी तथा कई सालों तक तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने इससे फॉलो किया था। इसके बाद एक बार स्टीफन स्पेंडर इंग्लैंड से जैमिनी स्टूडियो में लेक्चर देने के लिए आए थे। ये एक पोएट और एक राइटर भी थे। तो जब इन्होंने लेक्चर देना स्टार्ट किया तभी लोगों को कुछ समझ नहीं आया लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए इनका आना एक मिस्ट्री ही बन के रह गया। कुछ सालों के बाद जब अशोका मित्रन ने स्टूडियो छोड़ दिया तो उन्होंने फुटपाथ से द गोल्ड दैट फील्ड, जो कि स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी हुई एक बुक है, इस बुक में इन्होंने देखा कि 6 फेमस ऑथर्स ने ऐसे लिखे हुए हैं जो कि कम्युनिज्म के टॉपिक पर थे। इससे स्टीफन स्पेंडर की मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। What does the writer mean by the fairy misery of those subjected to makeup? हमारे ऑथर है अशोका मित्रन, ये चेन्नई के जैमिनी स्टूडियो में काम करते हैं और बताते हैं कि वहाँ पे ट्रक भर भर के मेकअप आता था, मेकअप पैनकेक्स आता था। पैनकेक वो है जो एक्टर और एक्ट्रेस को तैयार करते समय, मेकअप करते समय यूज किया जाता था। अब इस क्वेश्चन में ऑथर का क्या मीन है इससे कि वो जो मेकअप लगाया जाता है एक्टर्स को वो फेरी मिजरी होता है। तो द हीट प्रोड्यूस बाय द लाइट्स इन द मेकअप रूम ब्रॉट अबाउट अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट टू द एक्टर इन द मेकअप रूम। जो मेकअप रूम होता है उसमें बहुत सारी लाइट्स लगी होती हैं जिससे हीट निकलती है और वो एक्टर्स उससे क्या हो जाते हैं, डिस्कम्फर्ट होते हैं, परेशान रहते हैं। हैंस द राइटर रेफर्स टू दिस पेन एंड ट्रबल एज फेरी मिजरी। तो इसीलिए राइटर ने इस परेशानी को, एक्टर्स की इन परेशानी और पेन को ही फेरी मिजरी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रेफर टू? द मेकअप डिवीजन ऑफ द जैमिनी स्टूडियो वाज एन एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर। दिस इज सो बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप वर्क्ड टुगेदर इन द सेम डिपार्टमेंट। ऑथर के अनुसार नेशनल इंटीग्रेशन क्या है? तो जो मेकअप रूम, मेकअप डिपार्टमेंट है जैमिनी स्टूडियो का, वहाँ पर तरह तरह के रिलीजियस के लोग आते हैं, तरह तरह के धर्मों वाले लोग आते हैं, इसीलिए ऑथर ने उसे नेशनल इंटीग्रेशन कहा है। और हमारे ऑथर के अनुसार ये लोग जो होते हैं अलग अलग धर्मों के मानने वाले होते हैं, ग्रुप में यहाँ आते हैं, काम करते हैं, एक साथ एक ही डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, इसकी वजह से ऑथर ने इन्हें नेशनल इंटीग्रेशन कहा है। द डिपार्टमेंट वॉज हेडेड बाय अ बंगाली हु वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन। अब ये जो यहाँ पे हेड है
इस डिपार्टमेंट का, मेकअप डिपार्टमेंट का जो हेड है वो बंगाल से है, और जो ये चला रहा है इसको जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट को, वो एक महाराष्ट्रियन है। द अदर हेल्पर्स इंक्लूड आर धरवार कर्नाटिका, तो ये कर्नाटका से है, एंड आंध्रा आ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मिस एंड द लोकल तमिल। तो ये तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, इसीलिए ऑथर ने इसे नेशनल इंटीग्रेशन कहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय डू इन द जेमिनी स्टूडियो। ऑफिस बॉय का क्या काम था जेमिनी स्टूडियो में। व्हाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो, उसने ज्वाइन क्यों किया था स्टूडियो। व्हाई वॉज ही डिसअपॉइंट, और वो निराश वहां से क्यों था। द ऑफिस बॉय हैड अ ड्यूटी ऑफ स्लैपिंग मेकअप ऑन द फेसेस ऑफ प्लेयर्स एट द टाइम ऑफ क्राउड शूटिंग। जब बहुत ही ज्यादा क्राउड का मेकअप करना होता था तो वहां जो ऑफिस बॉय था, ऑफिस बॉय का काम क्या होता है, चाय लाना पानी लाना, लेकिन जो वहां ऑफिस बॉय था जब बहुत ज्यादा क्राउड आ जाती थी तो क्राउड का मेकअप करता था ऑफिस बॉय, उसमें लग जाता था, वो स्लैपिंग मेकअप करता था यानी कि पोतता था बहुत ही मेकअप को, हाँ भर भर के लगाता था आर्टिस्ट को, एक्टर्स को। ही ज्वाइन जेमिनी स्टूडियो विद अ ड्रीम ऑफ बिकम ए फर्स्ट रेट एक्टर स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर और लिरिक राइटर। तो उसने जब जेमिनी स्टूडियो ऑफिस बॉय ने ज्वाइन किया था तो ये सोच के किया था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा, स्क्रीन राइटर बनूंगा, प्रोड्यूसर या फिर एक लिरिक राइटर बनूंगा। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही फेल्ड इन हिज ड्रीम एंड रिमेन्ड ऑनली अ ऑफिस बॉय। तो इसलिए उसका जो सपना था वो फेल हो जाता है, वो इसलिए निराश होता है और लास्ट में वो एक ऑफिस बॉय ही बनकर रह जाता है। नेक्स्ट, हु वॉज सुब्बीज प्रिंसिपल। सुब्बू का प्रिंसिपल क्या था, मतलब जो सुब्बू का जो हेड था उसका नाम क्या था। एस एस वर्सन द फाउंडर ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वॉज सुब्बूज प्रिंसिपल। सुब्बू के जो प्रिंसिपल थे, उनके हेड थे, उनका नाम एस एस वर्सन था और वो जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर। आई वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन। ऑफिस बॉय किससे ज्यादा परेशान रहता था और वो अपना गुस्सा किस पर दिखा रहा था। द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज डिस्पाइट गेटिंग अ गुड ओपनिंग ही रिमेन ओनली एन ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय इसलिए फ्रस्ट्रेट था, परेशान था, क्योंकि जब वो मेकअप डिपार्टमेंट में जॉब के पर्पज से आया था तो वो सोचता था कि मैं एक बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा या डायरेक्टर बनूंगा, लेकिन वो एक ऑफिस बॉय बन के रह गया था। ही हैड अ गुड फॉर्मल एजुकेशन एंड वुड राइट पोएट्री ऑल्सो। उसकी एजुकेशन भी अच्छी थी और वो पोएट्री भी अच्छी कर लेता था, लिख लेता था। बट हिज ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट। लेकिन उसका जो इतना अच्छा टैलेंट था लिटरेरी का भी, वो भी उसका वेस्ट चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि वो एक ऑफिस बॉय ही बन के रह जाता है। ही शॉव्ड हिज एंगर ऑन कोथामंगलम सुब्बू द नंबर टू एट जेमिनी स्टूडियो। ये कोथामंगलम सुब्बू स्टूडेंट जेमिनी स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट में सेकंड नंबर पे आता था। फर्स्ट नंबर पे बॉस है, सेकंड नंबर पे सुब्बू आता था, तो इससे ऑफिस बॉय बहुत ही ज्यादा चिढ़ता था, गुस्सा रहता था इससे, क्योंकि वो मेकअप डिपार्टमेंट में सेकंड नंबर पे था इसलिए। नेक्स्ट, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज ए मैनी साइडेड जीनियस लिस्ट फॉर ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज। सुब्बू के पास बहुत सारी क्वालिटीज थी, वही जो अभी बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, कि जो सुब्बू था वो जेमिनी डिपार्टमेंट में सेकेंड नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पे बॉस के बाद उसका नंबर था, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था। अब उसकी फोर एबिलिटीज बतानी है कि उसमें कौन कौन सी एबिलिटीज थी। तो फर्स्ट है, सुब्बू हैड एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम, हमेशा वो खुश रहता था। हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज। फिल्म मेकिंग वॉज क्यूट Easy with सुब्बू around। सुब्बू की बहुत ही बड़ी क्वालिटी थी कि वो अपने प्रिंसिपल, ये जो बॉस थे उनके, उसको उसके हर लाभ के लिए वो काम करने को हमेशा तैयार रहता था। और इवन कि जो सुब्बू था वो फिल्म मेकिंग में भी उसको जो फिल्म मेकिंग का काम है उसको भी सुब्बू बहुत इजी कर देता था बॉस के लिए, तो बॉस को बहुत फायदा होता था सुब्बू से। थर्ड क्वालिटी क्या थी, ही वॉज लिटरेरी इंक्लाइंड टू ए पोएट, और वो पोएट भी था, पोएट्री करना भी जानता था, एंड नॉवलिस्ट, और वो नॉवलिस्ट भी था। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, इसी के साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छा
अच्छा एक्टर भी था। कभी कभी कोई सेट पे अगर कोई एक्शन भी होता था तो वो एक्टिंग भी कर देता था उसकी जगह पर सुब्बू। ही हैड अ चैरिटेबल एंड लविंग नेचर, और बहुत ही प्यारा नेचर था उसका, सबकी रेस्पेक्ट करता था और सबसे चेयरफुल रहता था। नेक्स्ट, वाई वॉज द लीगल एडवाइजर रिफॉर्म्ड टू एज द अपोजिट बाय अदर। जो लीगल एडवाइजर था वो दूसरों के अपोजिट क्यों था, उससे वो दूसरे लोग उससे विरोधी क्यों थे। द लॉयर वॉज इन द स्टोरी डिपार्टमेंट, ही वॉज ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर। जो स्टोरी डिपार्टमेंट में जो लॉयर था ना, वही लीगल एडवाइजर भी था। हाउएवर हिज एक्शन डिड नोबडी एनी गुड, ही हैड unwittingly brought to an end the career of a promising young actress, hence he was reformed to as the opposite by others। जो स्टोरी डिपार्टमेंट में लीगल एडवाइजर था, ये किसी के भी एक्शन पे उंगली उठा देता था और एक्टर के कैरियर का द एंड भी कर देता था। इसी वजह से ये जो लीगल एडवाइजर था वो दूसरों का विरोधी था। Now next question, what made the lawyer stand out from the others at Gemini Studio? Story department का legal advisor lawyer था, वो Gemini Studio में किस प्रकार से दिखाई देता था। The lawyer's dress that he wore made him stand out from the others। जो lawyer की dress थी वो दूसरों से बहुत ही अलग थी, इसलिए वो Gemini Studio में अलग दिखाई देता था। He wore a pant and a tie and sometime a coat also। तो मोस्टली वो क्या पहनता था, पैंट टाई पहनता था और कभी कभी वो कोट भी पहनता था। अदर पुट ऑन ए खादी धोती विद अ स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लम्सली टेलर्ड व्हाइट खादी शर्ट, और जो बाकी सभी लोग थे वो खादी की यानी कि कॉटन की धोती और शर्ट ही पहनते थे, विच लुक्ड लाइक एवरीवन्स यूनिफॉर्म। इस प्रकार ऑफिस के सभी लोगों के विपरीत दिखाई देता था ये जो लीगल एडवाइजर यानी कि वहाँ का जो लॉयर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशंस। मोस्ट ऑफ द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो वर फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी एंड वर खादी। जो ज्यादातर लोग थे जेमिनी स्टूडियो में वो गांधी जी के फॉलोअर थे, यानी कि खादी ही पहनते थे, कॉटन के कपड़े ही पहनते थे। बियॉन्ड खादी एंड वेयरिंग ऑफ खादी दे डिड नॉट हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन। तो ये खादी पहनते थे, गांधी जी के फॉलोअर थे, उनको फॉलो करते थे, तो इसलिए उनमें कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हमें दिखाई नहीं देता। हाउएवर दे वर ऑल अगेंस्ट कम्युनिज्म, और इसके अलावा भी वो सभी लोग कम्युनिज्म से भी खिलाफ थे, कम्युनिज्म के भी खिलाफ थे सभी लोग जो जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे। Now next question, name one example to show that Gemini Studio was influenced by the plays staged by MRA. MRA क्या है स्टूडेंट, ये MRA ग्रुप का नाम है, मोरल रीअरेंजमेंट आर्मी, जो एक बार जेमिनी स्टूडियो में आई थी। ऐसा इन्होंने क्या प्रस्तुत किया था स्टेज पे कि इसको जेमिनी स्टूडियो ने बहुत सालों तक फॉलो किया और इससे इन्फ्लुएंस यानी कि इससे प्रभावित हुए। द प्लेज स्टेज बाय MRA ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मद्रास एंड तमिल आर्मी community for some years, almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jonatham Valley with a bare stage, a white background, curtain and a tune played on the फ्लूट। जब ये आर्मी आई थी MRA नाम की आर्मी, तो इन्होंने कैसा स्टेज बनाया था जेमिनी स्टूडियो में कि एक इन्होंने सनराइज और सनसेट का सीन लिया और उस पे हल्की ध्वनि चल रही थी। कौन सी ध्वनि चल रही थी, बांसुरी की टोन चल रही थी हल्की हल्की से, और क्या कहते हैं, व्हाइट कलर के कर्टेन लगाए थे और बैकग्राउंड इनका जो कर्टेन था वो व्हाइट कलर के कर्टेन का था और स्टेज बिल्कुल बेयर था, खाली था, और जिसपे सीन बने हुए थे, किसके सीन, सनसेट और सनराइज के सीन बने हुए थे और फ्लूट की ध्वनि निकल रही थी, जिसको बहुत सालों तक फॉलो किया था जेमिनी स्टूडियो वालों ने और इससे बहुत ही ज्यादा वो प्रभावित हुए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, के बॉस का नाम क्या है। तो मिस्टर SS वर्सन वाज द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो। उनके MRA के बाद एक विजिटर आए थे जेमिनी स्टूडियो में, तो वो कौन थे।
द इंग्लिश विजिटर टू द जर्मनी स्टूडियो वॉज द स्टीफन स्पेंडर। तो स्टूडेंट जर्मनी स्टूडियो में एक स्टीफन स्पेंडर आए थे, अपनी स्पीच दे के चले गए थे। ही वॉज द एडिटर ऑफ द एनकाउंटर, अ ब्रिटिश पीरियडिकल एंड अ फेमस इंग्लिश पोएट, एसेज द नॉवलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। ये जो स्टीफन स्पेंडर थे, जब ये जर्मनी स्टूडियो में स्पीच देने आए थे तो उनकी स्पीच एक मिस्ट्री बन के रह गई थी, क्योंकि किसी को वहां पर समझ में नहीं आया था कि ये किस पे चर्चा करने आए हैं। लेकिन ये जो स्टीफन स्पेंडर थे, वो एक द एनकाउंटर नाम की ब्रिटिश पीरियडिकल एक बुक थी जिसके ये फाउंडर थे और जो इन्होंने ही लिखी थी, उसके एडिटर थे ये। और ये बहुत ही ज्यादा इन्होंने ऐसे और नॉवलिस्ट वगैरह लिखे 20th सेंचुरी के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वॉज। हमारे ऑथर ये जो है अशोका मित्रन, इन्होंने खोज कर लिया था कि ये जो जर्मनी स्टूडियो में स्पीच देकर गए हैं कि ये कौन है। तो इन्होंने ये कैसे डिस्कवर किया, कैसे फाउंड किया कि ये जो आए थे वो स्टीफन स्पेंडर थे और द एनकाउंटर के एडिटर भी यही थे। तो बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन पार्टिसिपेटिंग एन इंग्लिश पीरियडिकल द एनकाउंटर द ऑथर डिड अ रिसर्च ऑन द मैगजीन। ही वेंट टू द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी वेयर व्हाइल गोइंग थ्रू एन इशू ऑफ दैट पीरियडिकल ही डिस्कवर्ड दैट इट्स एडिटर वॉज स्टीफन स्पेंडर द पोएट दैट हैड वंस विजिटेड द स्टूडियो। तो एक बार जब स्टूडियो उन्होंने छोड़ दिया था, हमारे ऑथर काम करते थे जर्मनी स्टूडियो में, लेकिन जब उन्होंने स्टूडियो को छोड़ दिया था और वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे, तो एक बार उन्होंने देखा था एक फुटपाथ पर एक बुक बिक रही थी और जो बुक थी वो स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई थी। और वहां से वो पहचान गए थे कि ये कम्युनिज्म पे जो स्पीच देने आए थे हमारे जर्मनी स्टूडियो में, ये स्टीफन स्पेंडर थे और ये द एनकाउंटर के एडिटर भी थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द गॉड दैट फील्ड रेफर टू। ये द गॉड दैट फील्ड किसके लिए रेफर किया गया है। द गॉड दैट फील्ड वॉज अ कॉम्पिटिशन ऑफ सिक्स एसे रिटन बाय सिक्स एमिनेंट राइटर, नेमली एंड्रयू गाइड, रिचर्ड राइट, लेगेंसियो सिलोन, आर्थर कॉस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। स्टूडेंट फुटपाथ से जो उन्होंने एक बुक खरीदी थी उसमें 6 एडिटर के द्वारा लिखे गए एसेस थे। इन 6 एडिटर, ये जो 6 एसेस लिखे हुए थे, इनके एडिटर्स के नेम भी इसमें बुक में लिखे हुए थे। इन ईच ऑफ द एसे द रेस्पेक्टिव राइटर डिस्क्राइब देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म एंड देयर इल्यूजन रिटर्न। 6 राइटर थे, उन्होंने जो बुक खरीदी थी द गॉड दैट फील्ड, तो ये बुक का नाम था और ये 6 राइटर्स ने लिखी थी जिसमें से एक स्टीफन स्पेंडर थे। तो तब हमारे ऑथर को पता चल गया था कि ये जो द गॉड दैट फील्ड नाम की बुक है 6 नॉवलिस्ट के द्वारा लिखी गई है जिसमें स्टीफन स्पेंडर भी थे। वाई वॉज द कोथामंगलम सुब्बू कंसीडर नंबर 2 इन जर्मनी स्टूडियो। जो कोथामंगलम सुब्बू थे वो जर्मनी स्टूडियो में सेकंड नंबर पर क्यों आते थे। कोथामंगलम सुब्बू सक्सीडेड इन सिक्योरिंग द प्लेस क्लोजेस्ट टू द बॉस बाय मींस ऑफ फ्लैटरी। जितने भी बॉस के काम थे, ये जो सुब्बू थे वो उसको सभी को ऑर्डर को बहुत ढंग से निभाते थे। ही वॉज नॉट ब्रिलियंट बट अ रेदर चेयरफुल पर्सन एंड एक्सीडिंगली लॉयल टू द बॉस। वो ना केवल एक ब्रिलियंट पर्सन थे सुब्बू, जबकि बॉस के आगे हमेशा वो चेयरफुल रहते थे और उनके सभी काम में मदद करते थे। तो ये सुब्बू कौन थे, सेकंड नंबर पे इसीलिए आते थे क्योंकि वो बॉस का सभी कहना मानते थे और उनके कामों को इजी कर देते थे। बॉस के काम को द बॉस वॉज इन फिक्स दस द अदर एम्प्लॉयर कंसीडर्ड हिम नंबर 2 इन जर्मनी स्टूडियो। और बॉस भी उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, प्यार करते थे और उनका सब कहना मानते थे, इसीलिए जर्मनी स्टूडियो में नंबर 2 पर सुब्बू आते थे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। हु इज द ऑथर ऑफ पोएट्स एंड पैनकेक। अशोका मित्रन आ तमिल राइटर। नेक्स्ट,
What was the job of Ashoka Mitran in the studio? ये जेमिनी स्टूडियो की बात हो रही है स्टूडेंट, मद्रास में है तो अशोका मित्रन वहाँ काम करते हैं, ये जो हमारे ऑथर हैं, तो उनका क्या वर्क है पूछा गया है क्वेश्चन में. कट आउट न्यूज पेपर क्लिपिंग एंड स्टोर दैम इन फाइल. न्यूज पेपर की क्लिप्स को कट करके उसको फाइल में अरेंज करना, ये उनका वहाँ पे काम है जेमिनी स्टूडियो. Why was the author praying for crowd shooting at all time? हर समय ये जो अशोका मित्रन है ऐसा क्यों चाहते हैं कि शूटिंग चलती रहे स्टूडियो में. स्टूडेंट वो ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे एक ऑफिस बॉय है, वो हमेशा उनके ऑफिस में उनके पास आ जाता है और सुब्बू की बुराई करता है जो कि मेकअप डिपार्टमेंट में सेकंड नंबर पे है, सेकंड पोजीशन पे है, उसकी हमेशा बुराई करता है, बेफालतू की बातें करता है. और ऑथर को लगता है कि अगर ये क्राउड शूटिंग होती रहेगी तो ये जो ऑफिस बॉय है वो हमेशा बिजी रहेगा, क्योंकि क्राउड शूटिंग के दिन क्या होता था, ये ऑफिस बॉय भी वैसे इसका वर्क होता था चाय पानी वगैरह ला के देना, लेकिन क्राउड शूटिंग के दिन ये ऑफिस बॉय के मेकअप में बिजी रहता था. इसलिए हमारे ऑथर प्रे करते हैं कि हमेशा ये जो ऑफिस बॉय है क्राउड के मेकअप में बिजी रहे और क्राउड शूटिंग हमेशा चलती रहे. तो टू अवॉइड ऑफिस बॉय इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, विच वर प्रेजेंटेड बाय एमआरए इन मद्रास. स्टूडेंट चेन्नई में ये जो जेमिनी स्टूडियो में एक बार एमआरए की टीम आई थी, तो वो कौन सा नाटक वहां पे उन्होंने किया था, कौन सा प्ले किया था. जॉथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, फॉर हुम वाज जेमिनी स्टूडियो मेकिंग फिल्म. किसके लिए जेमिनी स्टूडियो जो है फिल्म बनाते थे. फॉर सिंपल तमिलियंस हु हैव नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश. तमिल वालों के लिए जेमिनी स्टूडियो में तमिल से रिलेटेड फिल्में बनाई जाती थी तमिल लैंग्वेज में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द ऑथर कम टू नो दैट इंग्लिश. ऑथर वाज स्टीफन स्पेंडर. हमारे ऑथर को कैसे पता चलता है कि वो जो एक बार स्पीच देने आए थे जेमिनी स्टूडियो में, वो ऑथर का नाम स्टीफन स्पेंडर था. फ्रॉम अ बुक द गॉड दैट फील्ड. एक बार एक ये बुक खरीदते हैं फुटपाथ से हमारे ऑथर, उससे उनको पता चलता है कि वो एक बार जो स्पीच दी थी आके एक ऑथर ने हमारे स्टूडियो में, उनका नाम स्टीफन स्पेंडर था. Why was the office boy disappointed with his job in Gemini Studio में. ये जो office boy था वो निराश क्यों था, अपनी job से निराश क्यों था. Because of his inability to be a star. क्योंकि वो जब स्टूडियो में आया था तो वो सोचता था कि मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा, लेकिन वो एक ऑफिस बॉय ही बन के रह जाता है, इसलिए वो डिसअपॉइंट रहता है वहाँ ऑफिस में जेमिनी स्टूडियो के. When did MRA visit Madras? MRA की टीम मद्रास में क्यों कब आई थी. 1952 is the correct answer of this question. Next, what does the expression made too ugly refer to? Make up done to look presentable before camera. एक्टर्स को अगली बना देना किस प्रकार से रेफर करता है. तो स्टूडेंट ये जो हमारे ऑथर हैं वो कहते हैं इतना सारा ये पैनकेक्स, ये जो मेकअप प्रोडक्ट होता है, इतना सारा एक्टर या एक्ट्रेस को लगा देते थे कि वो बहुत ही सुंदर दिखने की बजाय बहुत ज़्यादा अगली दिखाई देते थे. तो ये किस चीज़ को रेफर करता है, वो इसलिए लगाते थे क्योंकि वो कैमरे के सामने प्रेजेंटेबल दिख सके एक्टर और एक्ट्रेसेस. नेक्स्ट है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पोएट्स एंड पैनकेक्स. पोएट एंड पैनकेक्स चैप्टर में नेशनल इंटीग्रेशन का क्या मीन्स है. मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो. तो स्टूडेंट ये नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब होता है तरह तरह के लोग एक ही जगह जो काम करते हैं अलग अलग स्टेट से आए हुए, तो वो मद्रास में किस चीज का एग्जांपल लेते हैं, जेमिनी स्टूडियो, क्योंकि यहाँ जेमिनी स्टूडियो में भी तरह तरह के स्टेट से अलग अलग तरह के लोग आए हुए होते हैं, इसीलिए उसे नेशनल इंटीग्रेशन कहा गया है. हाउ मैनी पीपल वर देयर इन एमआरए ग्रुप में. कितने पीपल आए थे. 200 पीपल फ्रॉम 20 नेशनलिटीज. 20 अलग अलग नेशन से 200 पीपल आए थे हमारे की टीम में. कहाँ आए थे, जेमिनी स्टूडियो में. हु वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो. के फाउंडर का नाम क्या है. मिस्टर एसएस वसन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, व्हाट हैज बीन द मेकअप रूम कंपेयर टू. मेकअप रूम का किससे कंपैरिजन किया गया है. हेयर कटिंग सैलून से. क्योंकि स्टूडेंट हेयर कटिंग सैलून में बहुत सी मिरर के पास से लाइटें लगी रहती हैं और इसी प्रकार मेकअप रूम में भी लगी होती है, इसीलिए उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, हेयर कटिंग सैलून से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैनकेक इज द ब्रांड नेम ऑफ. पैनकेक किसका ब्रांड नेम है. तो मेकअप मटेरियल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो स्टूडेंट ये जो पैनकेक है वो मेकअप के लिए यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट का नाम है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
The makeup department of the Gemini Studio was considered to be a staple of Robert Clive is the correct answer of this question. Next, whom did the office boy consider for his failure? हमेशा किसकी बुराइयां करता रहता था ये जो office boy है, तो कोथा मंगलम सुब्बू. जो office boy है कोथा मंगलम सुब्बू की हमेशा बुराई करता रहता था हमारे author के पास आकर. क्यों करता रहता था? क्योंकि ये जो सुब्बू था ये second position पे था पूरे जेमिनी स्टूडियो में, इसलिए ये इससे जेलस होता था ऑफिस बॉय और हमेशा आकर ऑथर के पास इसकी बुराइयां करता रहता था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड एवरीबॉडी इन द स्टूडियो थिंक ऑफ गिविंग सम टू द ऑथर बिकॉज ऑफ द आइडल अपीयरेंस ऑफ हिज वर्क. स्टूडेंट ये सभी लोग समझते थे, जेमिनी स्टूडियो के काम करने वाले सभी समझते थे कि ये जो हमारे ऑथर हैं ये तो बिल्कुल फ्री ही बैठे रहते हैं. वैसे तो उनका काम था न्यूज़पेपर की क्लिप्स को कट करना, फाइल में अरेंज करना, लेकिन सब लोग कहते थे कि ये तो फ्री बैठे रहते हैं तो अपना कोई सा भी वर्क हमारे ऑथर को आकर देते थे. नेक्स्ट है व्हाई वाज सुब्बू टर्म्ड एज मैनी साइडेड जीनियस. मैनी साइडेड जीनियस क्यों कहा गया है सुब्बू को? एबिलिटी टू क्रिएट एंड मैनेज थिंग्स, क्योंकि वो हर काम में बहुत ही ज्यादा निपुण था, इसीलिए उसे मैनी साइडेड जीनियस कहा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोएट एंड पैनकेक्स इज द एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम. पोएट एंड पैनकेक्स कहाँ, किसका अंश है, कहाँ से लिया गया है? तो माई ईयर्स विद बॉस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट द जेमिनी स्टूडियो वॉज बिल्ड इन दिस ईयर. कौन से ईयर में बनाया गया था जेमिनी स्टूडियो? 1940 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वाई इज इंग्लिश मैन विजिट रेफर्ड एज अनएक्सप्लेन मिस्ट्री. इंग्लिश मैन वो जो एक पोएट आए थे जेमिनी स्टूडियो में स्पीच देने के लिए, तो उनका आना एक मिस्ट्री, एक रहस्य बनकर क्यों रह जाता है? बिकॉज इफ of his unfamiliarity and English accept, क्योंकि जो वो उन्होंने स्पीच दी थी, इंग्लिश बोली थी, वो जेमिनी स्टूडियो में किसी को समझ नहीं आई थी, इसीलिए वो जो उनकी स्पीच थी वो एक मिस्ट्री बन के रह जाती है. नेक्स्ट वट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन जेमिनी स्टूडियो. तो नेशनल इंटीग्रेशन अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोगों का एक साथ मिलना, तो जेमिनी स्टूडियो का ही एग्जाम्पल क्यों है, किसकी वजह से है? तो मेकअप रूम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वाई वॉज द ऑथर praying for crowd shooting at all time. हर समय क्राउड की शूटिंग चलती रहे. ऑथर ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि वो चाहते थे ये जो ऑफिस बॉय है क्राउड शूटिंग के दिन बिजी रहता है, तो क्राउड शूटिंग चलती रहेगी, ये बिजी रहेगा और मेरा फालतू का समय बर्बाद नहीं करेगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who was the Englishman? कौन है Englishman? Stephen Spender, editor of British periodical The Encounter is the correct answer of this question. Next, the office boy in the makeup room was jealous of whom? Office boy किससे हमेशा जलन करता रहता था? सुब्बू success and his क्लोजनेस टू द बॉस. सुब्बू की सफलता पर और जितनी उसके संपर्क थे बॉस के साथ, बॉस उसको बहुत अच्छा मानते थे क्योंकि बहुत से कामों में सुब्बू बॉस की हेल्प करता था, तो इसलिए ये जो ऑफिस बॉय है उससे हमेशा ही जेलस रहता था. Why was Subbu considered number 2 at Gemini Studio? Gemini Studio में सुब्बू को number 2 की पोजीशन पे क्यों रखा गया था? Because of creative skills. उसमें इतनी skills थी कि किसी भी काम को वो easy कर देता था, इसीलिए उसको number 2 पे रखा गया था Gemini Studio में बॉस के बाद. Office boy was a dash year old. तो 40 is the correct answer of this question. Next, why did he visit the studio? स्टूडेंट यहाँ पे ही जो है वो स्टीफन स्पेंडर के लिए आया, जो एक बार जेमिनी स्टूडियो में आए थे स्पीच देने के लिए. तो टू डिलीवर आ स्पीच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वाई डिड ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम कम टू द ऑथर? बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट लिटरेरी एंड फिल्म मेकिंग. उसका लिटरेरी और फिल्म मेकिंग में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो आया करता था हमारे ऑथर के पास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज What things attracted the evidence in the place stay stacked by MRA their sets and costume. तो कौन सी चीज MRA टीम की बहुत सबको अट्रैक्ट करती थी, जो उन्होंने सेट्स तैयार किया था शूटिंग के लिए और उन्होंने जो कॉस्ट्यूम पहनाई थी अपने एक्टर और एक्ट्रेस को, तो उसको सबने या पूरी ऑडियंस ने वहाँ पे उन्होंने उनको अट्रैक्ट किया था उनकी कॉस्ट्यूम और सेट को. नेक्स्ट वट वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटीरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट. जेमिनी स्टूडियो में जो वो आता था मेकअप का मटीरियल, उसका ब्रांड नेम क्या था? तो पैनकेक इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट क्वालिटीज वाज सुब्बू एडमायर फॉर? सुब्बू की कौन सी क्वालिटी के कारण उसको बहुत ही ज्यादा प्रशंसा मिलती थी? एक्टिंग, राइटिंग, फिल्म मेकिंग स्किल एंड द मैनेजमेंट स्किल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ वाज कोथा मंगलम सुब्बू क्रिएटेड इन द जेमिनी स्टूडियो? में किस प्रकार से कोथा मंगलम सुब्बू का ट्रीट किया जाता था, मतलब किस प्रकार से उसको रेस्पेक्ट दी जाती थी? विद हाई रेस्पेक्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, व्हाई वाज सुब्बू आ ट्रबल शूटर? क्यों कहा जाता था सुब्बू को? बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम रिजॉल्विंग क्वालिटी। स्टूडेंट, ट्रबल शूटर मतलब परेशानियों का अंत कर देने वाला। सुब्बू को इसलिए कहा जाता था क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होती थी एक्टिंग से रिलेटेड या स्टेज से रिलेटेड, स्टेज को कैसे सेट करना है, कॉस्ट्यूम कैसी पहनाया जाए एक्टर को, तो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुब्बू मिनटों सेकेंडों में निकाल देता था। इसीलिए इसे प्रॉब्लम रिजॉल्विंग क्वालिटी इसकी कहा जाता था, अर्थात ट्रबल शूटर था वो जेमिनी स्टूडियो में। स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।